शिवा। तू पागल हो गया क्या? तेरे घर में 10-20 गाड़ियाँ हैं। अरे छोड़ दे यार। अरे कैसी बात कर रहा है यार, उसके घर में तो अपनी गाड़ी है, लेकिन वो आता है तो हमारे लिए आता है। अरे सुन, तो मेरे आने की वजह कुछ और है समझा। रोज तुम लोगों का लफड़ा होता है, ये सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए बस में क्या होता है ये देखने आया हूँ मैं। अरे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जाए। छोटे लोग संभालो इसको। ये क्या कर रहे हो? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो। ये हरी हरी चूड़ियाँ, ये गले में मंगलसूत्र, यहाँ जो बैठा था वो तुम्हारा पति था क्या? ए, वो इसका पति है, कुछ करना मत। ठीक है भाई, मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे तेरे पति को कुछ नहीं होगा, तुम यहीं बैठो मेरे पास। देखो इसके पति को छोड़ना मत। अरे क्या कर रहा है? आपको समझने की कोशिश कर। चल कर मनाया जाए। मैं बोल रहा हूँ सब लफड़े मत करो। अरे तू कहाँ से आ गया हीरो? खैरियत तो है ना? चलो कोई बात नहीं। अरे मैडम एक पप्पी दो या मेरे साथ चलोगी? अच्छा तुम बताओ, तुम सुहागरात नहीं मनाओगी या फिर मेरे साथ में चलोगी? जल्दी बोलो ना, जल्दी बोलो। ये तेरा रोज का नाटक है। बस में उतर जा। बस तू चुपचाप बैठ ना, बहुत आया मुझे बस से उतारने वाला। भाई क्यों लफड़ा कर रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ ना। करोड़ 86 करोड़ 86 करोड़ एमवी गंगा फर्स्ट टाइम। 87 करोड़ 87 करोड़ एमवी गंगा फर्स्ट टाइम। 90 करोड़ एमवी गंगा 90 करोड़ फर्स्ट टाइम। 91 करोड़ 91 करोड़ एमवी गंगा फर्स्ट टाइम। 91 करोड़ एमवी गंगा सेकंड टाइम। सर आपके बेटे को पुलिस वाले उठा के लेके गए। क्या उसे क्या हुआ? छोटे साहब ने रोड पर गुंडों के साथ मारामारी की है। 92 करोड़ एमपी गंगा 92 करोड़ फर्स्ट टाइम। राम स्वामी किस वजह से विजयकांत साहब के बेटे को अरेस्ट किया गया है? ये सवाल तुम जाके कोर्ट में पूछना। एमएलए कमल हसन है क्या? अरे कौन है रे इधर का इंस्पेक्टर? मैं हूँ साहब। एमपी रामा निगम कमिश्नर साहब। कमिश्नर साहब। ए ऑफिसर। यस सर। तुमने स्टेशन पर चार्ज लेते ही अपना काम दिखाना शुरू कर दिया। ये मेरा फर्ज है सर। क्या खाक फर्ज है? 2 दिन हुए तुम्हें यहाँ पर आए, ट्रांसफर होकर अपना काम दिखाने लगे। विजयकांत का बेटा कहाँ है? कौन सर? अरेस्ट करके तुम लाए हो और मुझसे पूछ रहे कौन है? छोटी सी बात के लिए सेंट्रल भी यहाँ पर है और स्टेट भी यहाँ पर है। मैं समझा नहीं साहब। किसको लेकर आए हो? ओहो, बस में लफड़ा हुआ, गुंडों को मारा, कहीं वही लड़का तो नहीं है साहब? बिल्कुल सही। 93 करोड़ सेकंड टाइम। करोड़ों की बोली आप लगा चुके हैं, ये शिप आपके हाथ से निकल जाएगी। अरे वो शिप मैं कभी भी खरीदूंगा। सही बात है, लेकिन मेरा बेटा पुलिस स्टेशन में बंद है, पहले जा गाड़ी निकाल। ओके सर। बेवकूफ कहीं का, जहाज खरीदना है जहाज। विजयकांत के बेटे को लेकर आओ। बेटा आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? क्या करूँ जब पता चला तू पुलिस स्टेशन में है तो मैं टेंशन में भागा भागा यहाँ चला आया। ये देख एमएलए कमिश्नर एमपी सबको मैंने यहाँ बुलवा लिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। रुक जा, चुप रहो। हाँ बताओ बेटा। आज सोचा कि दोस्तों के साथ बस में चला जाऊं, वहाँ पे 5-6 गुंडे लड़कियों को छेड़ रहे थे। मैं उन्हें रोकने लगा तो वो मुझसे लड़ने लगे, बस इतनी सी बात थी। तभी वहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आ गए। उन्होंने कहा कि कंप्लेन लिखा दो, 4-6 महीने के लिए इनको अंदर कर देता हूँ। इसीलिए आया था डैडी। शाबाश बेटा, ये बात है तो टेंशन मत लो। बेवकूफ कहीं का, बहुत चोट लगी है बेटा, पहले इसे घर ले जाओ, डॉक्टर को बुला के दिखाओ। बेटा तुझे बस में जाने का दिल था तो मुझसे कहता, मैं 10-12 बस खरीद लेता। तुझे कितनी परेशानी हुई, मैं भी परेशान हुआ। आई एम सॉरी सर, आप सबको मैंने बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ करना। हाँ। क्या सर, आप पराया समझ के बात कर रहे हैं? आपका कोई काम मिलता है तो हमको खुशी होती है, ऐसा पहली बार मौका मिल गया। चलो बेटा, और सब हम सब चलते हैं, चलो बाय। प्रमोशन के लिए बात करूंगा। यस सर, याद रखना दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा जब पानी नहीं मिलेगा। काला पानी तो सुना था, पर ये जूते तक पैर से नहीं उतारा, देखो कैसा बचपना अभी भी है। बेटा तकिए पे सर रख के सो जा, सीधा सो जा बेटा। इतना होते हुए भी बिजनेस लॉ, भाड़ में गया है सब बिजनेस। राजा बेटा, ये बिजनेस की पढ़ाई से ज्यादा तेरी जिंदगी में एक और बिजनेस है बेटा। वो क्या है जानता है? वक्त पे शादी करके घर बसा लेना। लेकिन शादी से पहले कुछ और भी बातें होती हैं बेटा, रोमांस, फ्रेंड्स। तेरे पास इतनी सारी दौलत होते हुए भी तुझे किस चीज की कमी है बेटा? तो जिस दिन शादी करेगा ये सब कुछ मैं तेरे हवाले कर दूंगा। सिर्फ 2 बच्चे मेरी गोद में डाल देना, मेरा बुढ़ापा खुशी से कट जाएगा। सुकून से सो जा बेटा। आई हैव ड्रीम्स, अच्छे अच्छे सपने देखना और अपनी जिंदगी के लिए एक अच्छी सी राजकुमारी सेलेक्ट करना। वो कहीं भी होगी, जहाँ भी होगी, उसके साथ तेरा घर मैं जरूर बसाऊंगा। गोरी काली वानियों को रोज देखता हूँ मैं, ओ प्यारे प्यारे सेक्सी फिगर से मिलता हूँ मैं। अरे गोरी काली रानियों को रोज देखता हूँ मैं, प्यारे प्यारे सेक्सी फिगर से मिलता हूँ मैं। कोई भी अब तक दिल को भाई नहीं ऐसी, जिसको मैं अपने दिल में बिठा लूं रे। पूरी हलवा पूरी मीठी पूरी, तू कहाँ है रे पूरी हलवा पूरी मेरी पूरी, कहाँ है रे आजा। गिर्द मेरे हसीनाओं का ये मेला, उनके लिए हूँ मैं देखो आशिक अकेला। एक से मिलो चले दूसरी हसीना, मार को मुझे जलता है सबका सीना। भाई कोई भले हो सेक्सी, दिल में मेरे बस जाए, ढूंढता जिसे दिल ये मेरा, कहीं तो मुझे वो मिल जाए। उसकी उम्र होगी 16, वो बनेगी मेरी लैला, मैं बनूंगा उसका छैला। अरे आइला 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 गोरी काली काली गोरी, गोरी काली रोमियो को रोज देखता हूँ मैं, प्यारे प्यारे सेक्सी फिगर से मिलता हूँ मैं। जीने का मौका यहाँ मिलता एक बार, जवानी गई तो जीना होगा बेकार। कर ले प्यार तो कोई ढूंढ ले दिलरुबा, उसको बना ले तू अपनी महबूबा। जी ले तो जरा, पी ले तो जरा मोहब्बत के रस को थोड़ा, क्योंकि खुदा बुनता है सबका धरती पे एक जोड़ा। मैं उसके लिए हूँ वो मेरे लिए है, मैं उसका बनूँ वो मेरी बने, मैं सपना देखूँ हरदम उसका। आजा रे दीवाने तुझे सैर करा देती हूँ, इश्क के पहाड़ पे तुझे चढ़ा देती हूँ। आजा आजा रे दीवाने तुझे सैर करा देती हूँ, इश्क के पहाड़ पे तुझे चढ़ा देती हूँ, वरना तू ऐसे ही तड़पता रहेगा। आजा आजा वरना तू तरसता रहेगा। झूले आजा झूले प्यारे झूले, इश्क के झूले में झूले झूले। आजा झूले प्यारे झूले, इश्क के झूले में झूले रे, आजा झूम ले। बाप होकर आप ऐसे सपने देखते हैं तो बेटा भी ऐसे ही सपने देखेगा ना। टाइम क्या हुआ है देख रहे हैं? हाँ अब तो आप समझ गए ना कि जो आप देख रहे थे वो एक सपना ही था। अब चुपचाप सो जाओ। ओके। दिन रात एक ही एक सपना देखते रहते हैं। जलती है सपने से। जो मैंने देखा वो एक सपना था। जवान जवान 8-10 लड़कियों के बीच मेरा बेटा शिवा नाच गा रहा था। वो कितना क्या हुआ हैंडसम जी? लग रहा था। जाकर देखता हूँ अपने कमरे में है या। आप कभी नहीं सुधरेंगे। ये छोटे, हाँ बोलिए। मेरे बारे में यहाँ के लोग क्या क्या बोलते हैं? बहुत कुछ बोलते हैं। उन्हें बोलने दो। लगा लूंगा माँ, लगा लूंगा। ये हमारी पूजा की मिट्टी है। क्या है मिट्टी? भैया देख लिया ना इस मिट्टी की महिमा। मिट्टी लगाते ही कुमकुम में बदल गई। भैया चल बे गधे बेवकूफ, किसी ने शराब पीकर बॉटल यहीं पे फेंक दिया, उसी का ये टुकड़ा है। यहाँ की मिट्टी में यही प्यार है भैया, सच में। हाँ? भैया क्या है छोटे? हम लोग लवर्स हैं। तो हम क्या करें? हम लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, ज्यादा भाग नहीं सकते, इसलिए साइकिल दे दो। हाँ तो कहाँ तक जाना? मंदिर में जाना है। मंदिर में? अरे रे 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 रे, मंदिर तो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ तो उत्सव चल रहा है। मेरी साइकिल तो 5 किलोमीटर तक नहीं जा सकती, वो भी डबल सवारी। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ले जाओ, कोई बात नहीं। ले जाओ जाओ जाओ। मामा का? मामा को मामा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? हाँ जाओ जाओ बेटी जाओ। किस रिश्ते को मैं आपस में जोड़ने लगा हूँ, ये कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। बहुत बड़े दिल वाले हो भाई। दिल नहीं होगा तो संसार ही नहीं रहेगा। आप वीर सिंह हैं? हाँ मैं हूँ। ये लीजिए। ये क्या बनिए का बिल दे रहे हो? आपने एक साइकिल भाड़े पे ली थी ना? हाँ लेकिन वो तो अभी ले गया। वो हमारे यहाँ गिरवी रख के 500 रुपए लेके बस में बैठकर गांव चले गए। गिरवी रख के चले गए हैं क्या? हाँ भाई। ए, वो ब्याज देकर छुड़ा लेना। हाँ भैया तू इसीलिए मेरी तारीफ कर रहा था, इसीलिए मेरी तारीफ कर रहा था। अरे क्या है चुप क्यों हो? कोई मर गया क्या? दादा इतना काफी है या पटियाला बनाऊं? तू भी क्या, एक छोटी सी बात को लेकर तू पुलिस तक चला गया। MP MLA से लेकर सबको हिला दिया तूने। वो मेरा बेटा है डैडी, अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं। अरे 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 तू बाप बन के सोच रहा है? वो अब तो बड़ा हो चुका है, उसके लिए भला बुरा क्या है, अब तुम्हें उसे खुद देखने देना चाहिए। मैं उसके नाम से एक जहाज खरीदने गया था डैडी, ये बस में जाके लफड़ा करके पुलिस स्टेशन तक जा पहुँचा। अगर छोटे साहब को बस में जाना है तो 8-10 गार्ड रख देते हैं, संभाल लेंगे। तुम जाओ साहब एक पैगौर। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, उसको अपने तरीके से जीने दो, उसकी आजादी पे लगाम लगाना बेवकूफी है। जब देखिए तब आप उसकी ही तरफदारी करते रहते हैं, कभी मेरी बात भी समझा कीजिए डैडी। वो क्या है ना बेटा, मैं उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शादी करके आराम से जिंदगी गुजारे, ये क्या गलत है? कोई कोई पौधा जल्दी बढ़ता है, कोई कोई धीरे धीरे बढ़ता है, हम उसे इसी तरह जीने दे तो अच्छा है, सब समझ जाएगा। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी और तूने 25 की उम्र में शादी की, और वो तेरे से 1 साल बाद करेगा। अब आगे मैं क्या बोलूं डैडी? वो जवान लड़का है, तू उसे अभी मजा तो लेने दे। तू एक काम कर, तू उसे उसके दोस्तों के साथ में ऊटी देहरादून भेज दे। 8-10 दिन मजे कर लेगा, मेरी फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। तू पी, तू सोचता रहता है ना, इसलिए थोड़ा पी, थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा लेता हूँ। देख मेरी ज्यादा उम्र हो चुकी है ना, इसलिए मैं भी थोड़ा लेता हूँ, तू पी ना। हाँ पी पी, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए। पब्लिक प्लेस में चड्डी पहन के ना आना, मैंने मना किया था ना। चड्डी नहीं है, हाफ पैंट है यार। हाफ पैंट हो या क्वार्टर पैंट हो, मुझे नहीं पसंद है ना। क्या है ये, सेंट्रल रेलवे में ट्रेन के बोगी की तरह लाइन लगा के बैठे हो तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? हम सब जा रहे हैं ऊटी, समझे क्या? ड्यूटी। मुझे क्या करना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंकल, कैसे हो तुम लोग? सफर बहुत लंबा है, संभल के आराम से ड्राइव करके जाना, समझ गए? इन्हें क्या समझा रहे हैं, ये बच्चे थोड़े ही हैं। मैं इन सब के लिए दूध लेने जा रहा हूँ। उसकी फिक्र मत कीजिए अंकल, हम सब संभाल लेंगे। मुझे तो लगता लूट रहा है। भगवा ये तू रख ले, अगर पैसे की कुछ कमी हुई तो बोलना, मैं तुरंत भिजवा लेके चला जाऊंगा। इतना बस हो गया अंकल? ओके चलो ठीक है। तो हम लोग तुझे गिरवी रख देंगे। अरे चुप करना यार, क्या बोल रहा है? तुम लोग जाओ बाउचर पे साइन करके। हाँ ठीक है ठीक है, टाइम हो रहा है, तुम लोग जाओ। खाने में तेरे लिए जगह देखूंगा। बाय अंकल, बाय। ओके ओके, चलता हूँ चलता हूँ। ओके बेटा, हैप्पी जर्नी बेटा। गॉड ब्लेस यू। अरे रुको रुको, ये फर्स्ट क्लास का आइटम सॉन्ग कंपोज करके गाड़ी में रख दिया है। 10 दिन के लिए जाओ, घूमो फिरो, खूब ऐश करो, समझ गए ना? ए गाड़ी अफ्रीका इधर आ। जाजा बुला रहे, कोई भी उल्टा पुल्टा काम किया तो आने पर सबको फोड़ दूंगा। देख लिया हमारे दादा कितने समझदार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं ना दादा, हम सब 21वीं सदी के नौजवान हैं, ये तो अभी भी जवान हैं, वो भी हम लोगों से ज्यादा। चलो तो क्या ये मिला अभी छिल जाएगा। खंबा रखवा दिया क्या? ज्यादा बदतमीजी नहीं, प्यार मिला है, प्यार से बात करो। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ ठीक है तो जाओ ना। देखना तेरा बाप तुझे फोन करके बुलाएगा जरूर, लेकिन तू आना मत। 10-12 दिन अच्छे से एंजॉय करके आना। ठीक है दादाजी, चलता हूँ। ये मेरे बगैर 10 दिन रहेगा क्या? अरे गाड़ी थोड़ा संभाल के चला यार, खड्डे हैं और सामने पानी भी है, देखना। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? मुंह बंद रख वरना बहुत मारूंगा। आओ। ये वीडियो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से आराम से चलेंगे। हाँ यार जल्दी करना, दारू की बोतल खोल यार। हाँ तू भी इतना लेट करता है, चल जल्दी कर। ये ले जीवा, दारू है ब्रांड है। अरे शिवा तो अब पीने वाला नहीं है, चल अपन लोग ही जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अरे सब खा के खत्म करेगा। यू वांट दिस? अरे नहीं। ए, ए, उधर देखो उधर देखो। अबे क्या दिखा रहा है? ए, औरतें हैं यार उधर, औरतें। औरत को छोड़, आइटम को दिखा। चल तू कुछ भी बोल मगर औरतों का मजाक मत उड़ाना, समझ गया? तू क्या समझ रहा है? क्या जानता है तू? मेरी बड़ी माँ का गाँव है जिन्हें मैं माँ मानता हूँ। क्या तूने उनको फालतू समझा है? मेरी माँ 10 गाँव की सरपंच है, वो जब रास्ते से गुजरती है तो इस गाँव के लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। उन्हें क्या मामूली समझता है? अरे वो जिधर से गुजरती हैं, उनके पैरों की तले की मिट्टी उठाकर माथे पे लोग लगाते हैं, समझ गया? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर नहीं कहीं और रुकते हैं। अरे यार सुन ना, जब यहाँ रुकी गए हैं तो इनके साथ मिलके पी लेना। नहीं तो चल के मेरे साथ गाड़ी में बैठ, चल। पीना है तो पी लेना, उसने कह दिया तो ले लो। शराफत से मैं जो पूछ रहा हूँ, पीने के पीछे इतना पागल क्यों हो? अरे यार तू भी पी लेना। अरे मुझे रम का पैक दे। भगवा साहब को रम समर्पयामि। भागो, भागा आ रहा है। अरे जल्दी गाड़ी के अंदर बैठो, जल्दी जाओ, चल जल्दी करो। जल्दी सब पकड़ के रखना, इसको छोड़ना नहीं। आज इसकी सारी चर्बी निकाल लेते हैं। जस्ट मिस हो गया। अरे रुको, रुको यार, अरे रुको। मारना है तो मारो मगर 90 तो पिला दो यारो। जेल जाकर आने दो, फिर मालिक का वही रौब रहेगा, फिर बताऊंगा। अरे छोड़ो भाई, से क्यों मार रहे हो? अरे छोटे सरकार तुम। अरे यार तू इतना क्यों चिल्ला रहा है? मुंह बंद रख, अगर कोई सुन लेगा मैंने अपने रिश्ते के बारे में बताया तो इन लोगों ने मेरा मार मार के हुलिया बिगाड़ दिया। समझ गया? अब मिल लिया ना, अब चला जा यहाँ से। ए जुगनू, अरे उठना यार। अरे क्या यार, 5 बज गया यार, चल के बाहर जॉगिंग करते हैं ना। चल ना। अभी शाम का 5 बज गए क्या? अरे शाम के नहीं, सुबह के 5 बज गए भाई। क्या कोडैकनाल में 5 बजे बिल्कुल रात रहती है? तू इसे उल्टी समझ के कहाँ उठा रहा है यार। अरे यार तुझे घूमना है तो तू जा घूम के आ, मुझे सोने दे यार, डिस्टर्ब मत कर प्लीज, सोने दे यार। हाँ जा। कोई तकलीफ है क्या? मेरा सिर जाम हो गया है इसलिए घूट मारूंगा, तू जा। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं। गुड़ मुझे दे दे और ये जागा रहा है। हट, जाते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए, समझा क्या? तो हाँ, अब तू चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे। है इसको, इसकी बहन नहीं है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बोल रहा है। स्कूल के टीचर भी कंप्लेंट कर रहे हैं, क्लास में भी इसका ध्यान कहीं और रहता है। ये सब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तू क्यों इसके पीछे पड़ गया है बेटा? इसे भूख लगेगी तो खा लेगा, तू क्यों इसकी इतनी फिक्र कर रहा है? ए मेरे बच्चे, डैडी की खुशी के लिए कितनी खा लेना। मुझे नहीं चाहिए खाना, मुझे नहीं चाहिए। कुछ कह रहा हूँ सुन ले। नहीं चाहिए डैडी। माँ जी, सुबह से प्रिया दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है? उसको बुलाओ ना। वो इधर ही कहीं आसपास होगी, बुलाओ ना माँ। हाँ बुलाती हूँ। क्यों बेटा, इतने सुबह सुबह बिना बोले कहाँ चली गई थी? झरने के पास गई थी या अपनी सहेलियों से मिलने गई थी? झरने में खेलते समय तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर तुम दोनों को कुछ भी हो जाए तो वो सहन नहीं कर पाता, ये बात तो अच्छी तरह जानती है ना। तुम दोनों के लिए वो जमीन आसमान नहीं कर देता है। तुम जानती हो ना तुम दोनों से कितना प्यार करता है वो। अगर तुम लोगों को छींक भी आ जाए तो मेरी जान खा जाता है। जा अंदर, गुस्से में बैठा है। देख बेटा, तेरी माँ के जाने के बाद बेटा तुझे हाथों से पाला ही नहीं, अपने हाथों से खिलाया भी है, सीने से लगा कर भी रखा है। तुझे इस बात का ख्याल है कि ठीक है? ठीक है, मैं किसी के साथ भागकर तो नहीं गई ना दादी, मैं अपनी सहेली से मिलने गई थी। ये बात तुम्हें भी तो मालूम है ना। ठीक है ठीक है, मेरा मुंह तो बंद कर दिया। अंदर वो गुस्से में बैठा है, उसे भी शांत करा क्या। डैडी का गुस्सा कैसे शांत करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे बाप रे, घर का प्रसाद लेके उसे उल्लू बनाने चली गई। डैडी कहाँ गई थी? डैडी कल हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं ना, इसलिए मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए गई थी। सॉरी डैडी। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कम से कम अपनी दादी माँ को तो बता के जाओ, मुझे नहीं तो दादी को पता होगा तो टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है ना? बैठो, आओ खाना। ए, सुबह 5 बजे सब साथ में नहाते तो कितना मजा आता ना। इतनी सुबह हम नहीं जागते। अच्छे, ऐसी बात नहीं है यार। अगर 5 बजे तुम लोग साथ आते तो मेरा दिल चुराने वाली उस हसीना का तुम लोग भी दर्शन कर लेते। मिस कर गए यार तुम लोग। तू भी मिस कर गया। सुबह सुबह 10 खूबसूरत हसीनाएं मेरे सपने में आई थी, सब के सब व्हाइट ड्रेस में थी। काश तूने भी देखा होता। इसने भी देखा। वाह क्या बात है। अरे यार सचमुच वो मेरा दिल चुरा के ले गई। ये लड़कियों से दूर भागने वाला लड़कियों के गुण गा रहा है, कहीं सपना तो नहीं है। सपना नहीं यार, हकीकत था। लेकिन हमें ये जगह छोड़ने से पहले उसका पता लगाना ही होगा यार। मैंने पता लगा लिया यार, MS एबिलिटी भी। मैंने पूछा क्या? रख दे, जरा उधर देख, सुपर फिगर बुक में। अरे वो तो तस्वीर है यार, मैं जो बोल रहा हूँ ये समझ नहीं रहा बीड़ू, मैं सच कह रहा हूँ यार। प्यार हो गया है, बिखरी हुई वो बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई हर रंग में बिखरी। ये गाना कौन गा रहा है? वो बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई। हर रंग में बिखरी वही गाना। लेकिन ये है कौन? वो बटरफ्लाई। ये वाला। हाँ। ये कितने का है? 200 रुपए। अच्छा अच्छा। ये वाला? ये 150। अरे बहन जी जरा वो वाला स्वेटर दिखाइए ना। I love you, I love you यार। डैडी, डैडी, डैडी यहाँ पर आइए। क्या हुआ बेटी? डैडी मैं इसको जानती तक नहीं और ये मुझे गुलाब देकर आई लव यू कह रहा है। नहीं है सर, मैं बताता हूँ क्या बात है। क्या प्रॉब्लम है तेरा? मेरी बेटी को छेड़ता है? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है तेरा? है बता मुझे। सर 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 क्या है? सर इसे मत मारिए सर, इसे गलत मत समझिए। कौन हो तुम लोग? सर ये हमारे टीम का कैमरामैन है सर। MTV के लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम बना रहे हैं। एक अनजान लड़की को एक अनजान लड़के के हाथ में रोज देकर आई लव यू कह के पब्लिक का रिएक्शन और फैमिली का रिएक्शन क्या होगा, हम लोग यही देखना चाह रहे थे और प्रोग्राम बना रहे थे। कितने लोगों को तुम ऐसा कर चुके हो? स्पेशल प्रोग्राम बना के नौटंकी कर रहे हो। तुम्हारे घर में इस नौटंकी के लिए माँ बहन नहीं है क्या? उन्हें लाकर यहाँ खड़ा करो। एक अनजान लड़का या आदमी उन्हें जब आई लव यू कहेगा तब तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ ना लाइक। सॉरी सर। हमसे गलती हो गई। दोबारा तुम्हारा ये स्पेशल प्रोग्राम या और कोई नटंकी देखी तो चमड़ी उतार दूंगा। जाओ यहाँ से। बेटा मुझे गलत मत समझना। कोई बात नहीं सर। इट्स ऑल राइट। बाजू हटो रे। आए बड़ा प्रोग्राम बनाने। वेरी सॉरी सर। पब्लिक का रिएक्शन और फैमिली का रिएक्शन इतना भयानक होगा पता नहीं था सर। कोई बात नहीं। सॉरी सर, आपको इस तरह मार खानी पड़ेगी हमने सोचा भी नहीं था। यहाँ पर आप हम लोगों को सबसे अच्छे लगे इसलिए मैंने बोला। सॉरी सर। ओके। हैप्पी बर्थडे बेटा। आप इस उम्र में इतना अच्छा चलते हो तो मैं अपने बुढ़ापे में। कौन है रे? हैप्पी बर्थडे डैडी। हैप्पी बर्थडे। तू मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डैडी। आपके लिए बर्थडे गिफ्ट है डैडी। डैडी आप जानते हैं हाँ। इस मुंबई की नंबर 1 कंपनी जो है वो हमारी है डैडी। यू आर नंबर 1। वी आर नंबर 1। आई लव यू डैडी। आई लव यू दादाजी। बेटा तू 100 साल से भी ज्यादा जिए यही मेरी दुआ है। सब आपका आशीर्वाद है डैडी। देखा ना हाँ। तेरे बाप ने क्या कहा? बाप के जन्मदिन में आके बहुत अच्छा किया। देखा मेरा पोता। अरे किधर है? हमारे घर में आने वाली दुल्हन परी कब दिखाएगा? मेरे चले जाने के बाद। वो क्या बताऊं मैं दादाजी, मैं अपने रूम में आराम से सो रहा था। आपने डैडी के बर्थडे की खबर दी तो मैं काले के बाद क्या आया। यार तू आती है तो कयामत आ जाती है। अब तू आ गई है ना, अब मेरा भेजा चाटेगी तू। ए, मैं तुम्हारे घर पे आने के लिए कब से तड़प रही हूँ। बोलना कब करेंगे शादी। बोलना इसके लिए कोई और ढूंढ ले। तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? कल ही चली जाए यहाँ से। क्या है बेटा? हाँ हर साल वर्षा वेकेशन पर तुमसे मिलने आती है। क्या है माँ? जब वो आई थी तो तू नहीं था। कितना अपसेट थी वो जानता है। और अब तू उसे लौट जाने के लिए कह रहा है। हाँ आंटी आप भी समझाओ ना। सारा काम धाम छोड़कर फ्लाइट पकड़कर मैं यहाँ आई तो ये अपने दोस्तों के साथ चले गए ऊटी घूमने। कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि अपने होने वाले पत्नी इतनी दूर से मिलने आ रही है तो कम से कम घर में रहना चाहिए था ना। जहाँ हो वहीं खड़ी रहो। पहले तुम मेरे रूम से बाहर निकलो। बड़ी आई फ्लाइट पकड़ के। हेलो, मेरे वापसी के टिकट का क्या हुआ? अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? एक जरूरी काम है डैडी, जाके आता हूँ। गणपति बप्पा ऐसा कतई नहीं चलेगा। मुझे उसे ऑटो में ले जाना पड़ेगा। यहाँ तो ऑटो भी नहीं मिल रहा है। इतनी देर से मैं ऑटो का इंतजार कर रहा हूँ, कोई ऑटो दिख भी नहीं रहा। आ गया ऑटो। रुक 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 ऑटो वाले रुक। अरे यहाँ रुकने के बजाय तू वहाँ कहाँ चला जा रहा है? अरे ये ऑटो देखकर तो लगता है कि हॉस्पिटल तक बंद हो जाएगा। पागल हो क्या? हॉस्पिटल की बात तो नहीं कर रहा है। हाँ सब कुछ सही सलामत है भाई साहब, मैंने सब कुछ देख लिया। देखो देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। देखो भाई तुम एक अच्छे काम के लिए जा रहे हो और हमको अनसुना करके जा रहे हो, ये भी कोई बात हुई क्या? मुझे क्या मालूम तुम्हें कहाँ जा रहे हो। तुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। मैं जहाँ बोलूंगा तू वहाँ मुझे लेके चल बस। सही कहा ना मैंने? बता लेफ्ट साइड वाली एंट्री राइट में लगा दे तू। इसलिए इंसान को बाएं तरफ से चढ़ना चाहिए और बाएं तरफ से उतरना चाहिए। तो दाएं तरफ से चढ़ेंगे तो आप शगुन है ना। अरे सारे ऑटो में एक जैसी एंट्री मेरे लिए नहीं चलेगा। इसको बदल। वो मैं कैसे बदल सकता हूँ? मैं तुझे बताता हूँ। स्टेपनी है तेरे पास क्या? वो तो 2-3 दिन पहले चोर लेकर भाग गया। उसे भागने क्यों दिया? अच्छा बता दूसरी स्टेप क्यों पूछ रहे हो? बताता हूँ। एक अच्छे काम के लिए 3 किलोमीटर जाना है और ऑटो भी तेरे 3 पहिए की है। अब शगुन हुआ कि नहीं? चांद पर जाकर 3 जन रिटर्न आ चुके हैं, कोई अब शगुन नहीं हुआ। ट्रैफिक नहीं होती है यार। अरे तुम्हें किधर से घुस के जा रहे हो? तू पहले स्टेप नहीं निकाल। ठीक है, हाँ ठीक है, चल बैठ। हॉस्पिटल ठीक से पहुँचा देगा ना? बैठो ना। हाँ बैठ रहा हूँ ना। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तू क्या बड़बड़ा रहा? बैठा हूँ ना। हाँ हाँ रोक रोक यही रुक। हाँ चलो उतरो। उस दिन इस गांव में बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था। उस दिन गांव में ऑटो वाला एक बंदा भी नहीं था। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ऑटो चला रहा था। अच्छी बात है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? पैसा कौन देगा? अरे तू पैसा मांग रहा है मुझसे? मैं तो बैठा हूँ, खरीदा थोड़ी हूँ तेरी गाड़ी। खरीदने की बात करता, पैसा दे और जा। डिलीवरी से पहले एंट्री करवानी पड़ती है ना, तभी तो। डिलीवरी से पहले नाम लिखने के लिए प्रेग्नेंट औरत को गाड़ी में डाल के यहाँ लाना पड़ता है। तेरे जैसे उजड़ों का नाम नहीं लिखते। सही कहा। मेरी बीवी की डिलीवरी होगी या नहीं, यही पूछने आया हूँ। तेरी बीवी से मेरा क्या रिश्ता? तेरा क्या रिश्ता? बीवी का पति मैं हूँ। तुम हो क्या? मुझे नहीं पता था, अभी पता चला। अभी पता चला तो छोड़ देना। उसको लाके छोड़ा समझू क्या? उसको बच्चा होने वाला है। ओहो, उसके बदले तू आया है क्या? देखो भैया, डिलीवरी होने वाली औरत का पेट बड़ा होता है और जब पेट में दर्द शुरू होता है तो माँ माँ करके चिल्लाती है। उसे तब हॉस्पिटल लाया जाता है और एडमिट कराया जाता है। उसके बदले तेरे आने से काम नहीं चलेगा। समझ गया क्या? तो प्रेग्नेंट औरत को ले जाने का तजुर्बा होना चाहिए तुम्हें। और अगर तजुर्बा नहीं हुआ और ऐसे लेके चला गया तो हॉस्पिटल में कौन एडमिट करेगा? ओरिजिनल साबित करना पड़ेगा। आप समझा ना तू? हे गणेशा, मुझे वापस जाना, यहीं नहीं रहना है। ये अभी से इन सब की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? हाँ मैं अभी आया हूँ सर। ये बात नहीं है सर, सब ठीक है सर। मुझे घर और घर वाले सब अच्छे लगते हैं सर। हाँ उनको भी सब अच्छे लगते हैं। हाँ मैं तुरंत ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा सर। ये बात नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मेरे कहने से आपने तुरंत एक जॉब का इंतजाम कर दिया है सर। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है सर, मैं जल्दी से काम निपटा दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर। ओके सर, थैंक यू सर। क्या बात है माँ? कुछ नहीं बेटा, हमारा टेम्पो वाला है ना, वो सामान उतारते समय सामने वाले गेट से टकरा गया। उसके घर के वॉचमैन ने आकर बताया कि उस घर का गेट टूट गया। ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं डैडी, मैंने ही बताने से मना किया था। हम लोग जाके सॉरी बोल कर आते हैं। तुम मत जाओ माँ। प्रिया तुम वहाँ जाकर उन्हें सॉरी बोल दो और गेट रिपेयरिंग में कितना खर्चा हुआ ये भी पूछ लेना। ठीक है डैडी। क्या छोटी सी बात का भी? कौन चाहिए? सर से मिलना है। ठीक है आइए। Look at me. मेरे सवालों का जवाब दो। Who are you? कौन है तू? वो उस दिन वो गेट पर लॉरी। सॉरी, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं, थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। कोई आए या कोई जाए, सुबह में बस एक कॉफी, नाइट में एक पैग। इस वक्त कॉफी सर्विस वेट। वो अपने हाथ से देती तो उससे क्यों ले लिया? चल जा। देख क्या रहा है? अरे वॉचमैन कौन है? मालिक ये अपने पड़ोस में रहती हैं। अरे इसलिए तुम इनको अपने घर बुला लाए? कुछ अक्ल है तुझे? नहीं सर, मैं खुद ही आई हूँ। हम लोग कोडाईकनाल से यहाँ आकर आपके पड़ोस में अभी अभी शिफ्ट हुए हैं। वो क्या है कि हमारी लॉरी आपके गेट से आके टकरा गई, इसलिए डैडी ने सॉरी बोलने को कहा है और जो भी नुकसान है वो भर देंगे। छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लिया। व्हाट नॉनसेंस। ठीक है, अगर नुकसान हो गया है तो देने की क्या जरूरत है? इट्स ओके। थैंक यू सर। नॉट एट ऑल। वेलकम टू हैव यू नेवर गुड बाय। थैंक यू सर। बाय। ए जाके गेट पे ड्यूटी करो। बिड़ू, बहुत सही लड़की चुनी है तूने, लेकिन थोड़ी सी चुलबुली लगती है। ये क्या बकवास कर रहा है? कुछ नहीं, मैं जो देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। सारे जहाँ में भी ढूंढोगे तो ऐसी ब्यूटी नहीं मिलेगी तुम्हें। अरे आँख बंद कर दे। हाथ हटा, हाथ हटा, हटा। तुम लोगों को पता है कोई भी नई लड़की यहाँ आकर नहीं रह सकती। क्या बकवास कर रहा है यार, मुंह बंद करना अपना। ए, इरादा क्या है, मेरी दीदी पर लाइन मार रहे हो क्या? ए, लाइन नहीं लकीर मार रहा हूँ, चुपचाप जा यहाँ से, समझा? मेरे डैडी कौन है जानते हो तुम लोग? कौन है बेटा, तू यहाँ भी शुरू हो गया? तुम किससे वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो? वो क्या है डैडी कि मेरे कुछ नए दोस्त लोग आए थे। बाय दिव्या। बाय। कैसे चल रहा है, दिखता नहीं क्या? आपने मुझसे कुछ कहा? अच्छा नहीं लगा तो बता दो, मैं अपना स्टाइल बदल लूंगा। अगर मैं ऐसे चलूंगा तो अच्छा लगेगा। लेट अस कैट वॉक। ये अच्छा लगा। अरे ये नए स्टूडेंट भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यार। तुम लोग क्या कर रहे हो, जानवर की तरह चिल्ला रहे हो? मंडी बाजार लगा रखा क्या? ए, क्यों गुस्सा हो रहे हो? छेड़ रहे थे। कौन किसको छेड़ रहा है? चार दोस्त आपस में मिलेंगे तो यार मजाक तो करेंगे ही ना। मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक मत। ए भाई, दो जन जहाँ मिलते हैं वहाँ होता है ना। तुमने तो अपनी लाइफ सेट कर ली है, अब मुझे अपनी भी लाइफ सेट करने दो ना यार। कोई पट जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। इंचार्ज कौन है? न्यू एडमिशन है क्या सर? न्यू एडमिशन। आइए सर, प्लीज कम इन। ए सुन, बिडू को फोन लगा। हाँ जल्दी से। हाँ मेरे यार, मैं यहीं पर हूँ, जल्दी से आजा यार, तू जल्दी से। ब्रदर आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स यार। ए, 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 रुको यार, तुम कहाँ चले जा रहे हो? फिर से शुरू हो गए? ये बात नहीं है दोस्त, एक गांधीवादी के साथ ब्लू ड्रेस चूड़ीदार पहनी हुई लड़की कहाँ चली गई? कौन वो लड़की? वो तो अपने पिता के साथ कभी नहीं जाने दिया यार। तू क्या आदमी है, चलो। क्या है ये सब? ये सब आप देख रहे हैं ना, ये किसके लिए है जानते हैं? हमारे घर आने वाली नई बहू के लिए है। अरे वाह, क्या बात है, ये देखिए ना। अच्छा तो ये सब हमारी बहू के लिए है? ये भी उसी के लिए है। हमारी जिंदगी में हमने सारी खुशियाँ देख ली, अब इस घर में हमारा बेटा खुश रहे, और इस घर में मुझे पोते पोतियाँ देखने हैं, और ये घर बच्चों से गूंज उठे। इससे बढ़कर खुशी हमें और क्या चाहिए? इस घर में बहू आ जाए, बस उसका इंतजार कर रही हूँ मैं। वो खुशहाल जिंदगी जीना है और ये हम अपनी आँखों से देखेंगे। हमारी बहू महालक्ष्मी बनकर इस घर में आए, उस दिन का इंतजार कर रही हूँ मैं जानता हूँ। वो खुशहाल जिंदगी जीना है और ये हम अपनी आँखों से देखेंगे। हमारी बहू महालक्ष्मी बनकर इस घर में आए, उस दिन का इंतजार कर रही हूँ मैं जानता हूँ। अरविंद, अरे कैसे इंसान हैं आप लोग? एक बच्चा यहाँ बेहोश पड़ा है, आप लोग तमाशा देख रहे हैं। शे, कोई हॉस्पिटल भी लेकर नहीं जाना चाहता, कोई किसी लायक नहीं है। दीदी। मिस्टर शिवा, थोड़ा टाइम और लगेगा। मैडम ऑन करो। एक्सक्यूज मी, इस हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है क्या? तुमने नहीं चढ़वाया क्या? तुम्हें तो चढ़वाना ही चाहिए। बकवास बंद कर। नर्स से क्या बकवास किया जा रहा है? अरे मैंने क्या कह दिया यार उसको? दोस्त तुमने एक बात गौर की, उस लड़की का भाई रोड पर गिरा तो उसको हॉस्पिटल में लाके भर्ती कर दिया। मैं कितने दिन तक रोड पे रहा लेकिन मुझे किसी ने नहीं लाया। तू सड़क पे मरेगा तो कोई परवाह नहीं, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो डॉक्टर मरेगा। मुझे ये सब झेलना पड़ता है। डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, क्या मैं अपने भाई से मिल सकती हूँ? नहीं, तुम अभी नहीं मिल सकती, मैं जब कहूँगी तब देख लेना। डॉक्टर, मेरे पोते की जान बचा के तुमने बहुत... हिम्मत जी, शुक्रिया अदा करना है तो इनका कीजिए, इन्होंने ही आपके पोते की जान बचाई है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मेरा बेटा जब इस शहर में नहीं है तब तूने मेरे पोते की जान बचाई है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर इंसान को करना चाहिए। भगवान तेरा भला करे। अरे ये बच्चा आ गया। अरे कहाँ था यार तू, सब इंतजार कर रहे थे। ए शिवा, अपना कंप्यूटर वाला बासु है ना, उसकी चौखट पर कोई बच्चा छोड़ कर गया। क्या कहा, बच्चा छोड़ के? हाँ यार, वो 2 दिन का बच्चा है, अभी वो सो रहा है। हाँ? सत्या उसे देखने गया है। हे स्वामी सत्यानंद आगे। हाँ? चलो चलो आगे, चलो आगे, चलो चलो, चलो, चलो। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू फ्रेंड्स। इस बच्चे को मैं गोद लूंगा और इसे मैं पालूंगा। इट्स आवर ड्यूटी। मैं तुमसे बहुत उम्मीद रखता हूँ। इन तालों की गड़गड़ाहट नहीं, इससे कुछ ज़्यादा ही चाहता हूँ। इसके सर के लिए तेल चाहिए, कपड़े चाहिए, इसके लिए दूध चाहिए, डॉक्टर के कहे अनुसार ग्लूकोज चाहिए, हॉर्लिक चाहिए। बहुत खर्चे हैं। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, ये तुम मत समझना। जिस विश्वास से इस बच्चे को तुम मेरे पास लाए हो, उसी उम्मीद से मांग रहा हूँ। तुमसे जो बने मदद करो। ए बच्ची चल दे, मेरी तरफ से ले ले, ये मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से, चल तू भी देना, सब तेरे लिए। ये लीजिए स्वामी जी, इतना इकट्ठा हुआ। ये चेक किसने दिया है? ए तू क्या देख रहा है? जाना यार जाना। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता। इस आश्रम में रहने वाले सभी लोग एक महीने पेट भर कर खाएंगे, तुम्हारे नाम का गुणगान करेंगे, तुम्हें याद करेंगे, खुश रहेंगे। स्वामी जी, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सब लोग खुश रहें, यही बहुत है स्वामी जी। मेरे नाम में क्या रखा है? ठीक है, तुम अपना नाम मत बताओ, लेकिन इस बच्चे का एक नाम रखना है, चाहे कोई भी इसका बाप हो। इसके लिए आज ही ये पैदा हुआ है। जो तुम्हारे दिल को सबसे अच्छा लगे वो नाम रख दो। प्रिया, प्रिया, प्रिया। मुझको भूलो ये नामुमकिन, तेरे बिना अब न सकूं। तुझसे वादा है ये सजना, तेरी ही बस होके रहूंगी। तू है बनी बस मेरे लिए, मेरे लिए हाँ मेरे लिए। आजा मेरी रानी तू बाहों में मेरे, कैसे जीऊं मैं कैसे मरूं। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? आवाज पहचान के सवाल कर रहे हो? कैसा खेल है ये? हेलो, तुम जैसे खेल खेलती हो वैसे मैं भी अपना खेल खेल रहा हूँ। बोल लिया ना बाबा, अब आगे भी बोलो। दादी। हाँ बेटा। यहाँ आओ तो। क्या है? हमारे घर में किसी से कोड वर्ड में बात की जा रही है, सुनिए तो। देखो आखिर तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी तो कुछ अच्छा लगता होगा। मुझे हरा रंग पसंद है और तुम्हें शायद पीला रंग पसंद है। आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हो तुम। तुमने शेविंग वेविंग की है या बाबा बने घूम रहे हो? ए, हो कौन तुम? समझ लो तुम्हारी फ्रेंड बोल रही हूँ। कौन हो तुम बता दो, नहीं तो मैं खुद पता लगा लूंगा। क्यों, तुम बहुत बड़े सीबीआई ऑफिसर हो क्या जो मुझे ढूंढ लोगे? क्यों यार, पहचान लिया? दिल में किसी लड़की की तस्वीर को समाकर तुम हमेशा उसके पीछे पीछे घूमते ही रहते हो। अब वो लड़की तुमसे लव करती है या नहीं पता क्या? ये सब तुम कैसे जानती हो? अच्छा फिर ये बताओ, तुमने उस बच्ची का नाम प्रिया क्यों रखा? तुम्हारे पड़ोस में एक से एक फिगर वाली आइटम लड़कियां रहती है, तो फिर प्रिया के पीछे लाइन बनने की क्या जरूरत है? तुझे जो बोलना है मुझे बोल ले, मगर मेरी प्रिया के बारे में कुछ नहीं बोलना। उसके जैसी खूबसूरत कोई नहीं हो सकती। कितने दिनों से ये सब खेल चल रहा है? मैं बोर हो रही थी इसलिए फोन पे बातें कर रही थी और कुछ नहीं दादी। बेवकूफ बना के चली गई। नंबर किसका ये भी पता नहीं चल रहा है। कहीं मेरे घर पे आई अमेरिकन चुड़ैल का तो नहीं? कुछ कुछ कमा पासा ना, एक प्यारी प्यारी गुड़िया थी तू ना, सारा जहां खो गया, चांद कहीं सो गया। क्यों मैडम, यूएस लेडी बड़े जोरों से गाना चल रहा है? नहीं शिवा, कोशिश कर रही थी। मोबाइल एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिल ज्यादा बढ़ जाएगा। ये नहीं पता क्या? प्यार में अगर बिल देखोगे ना तो समझो सब कुछ खो दिया। टेक इट इजी। अरे यहाँ तो मेरी इज्जत खतरे में है। आज तो भाग गए। भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ थोड़ा बाहर आइए, आराम से बाहर आइए। क्या तकलीफ है तुम्हें? अरे कुछ तकलीफ हो तो मुझसे पूछ सकती हो तुम। अगर कुछ जानना है तो मुझसे पूछो ना। ये कंप्यूटर है, अगर इसमें तुमने कुछ कर दिया तो इसके पार्ट्स हिल जाते हैं। फिक्र मत करो तुम, बैठो यहाँ पर। पूछने में शर्म आती है? सर झुकेगा नहीं, बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। अच्छा चलो मैं तुमको इसके बारे में बताता हूँ। ये माउस है, इधर हाथ रखो, हाँ इधर घुमाओ, इसको ऐसे चलाना है। अब ये देखो, ये आगे पीछे होता है ना, इसे क्विक करते हैं। हाँ इसको पीछे लाओ, अब इस पर 2 बार क्लिक करो। अब देखो एरो इधर गया ना, हाँ अब इस पर क्लिक करो। क्लिक करने से अब ये देखो, हाँ ओपन हो गया ना, हाँ ओपन हो गया ना, ये देखा। अब इसके अंदर की सारी फाइलें तुम क्लिक करके ओपन कर सकती हो। हाँ? क्या चल रहा है इधर? अरे कुछ नहीं यार, बेचारी नई नई सीख रही थी, समझ नहीं रही थी कैसे ऑपरेट किया जाता है, मैं यही बता रहा था उसको। तू क्या कंप्यूटर मास्टर है? जी हाँ, कितनी भोली है बेचारी। कंप्यूटर सिखाने ये आई है। कल से अच्छा ड्रेस पहन के आना है। नहीं आ जाओ यारो, चल बुला रहा है। मैं तुम्हें जानती तक नहीं थी। जब तुमने कोडाईकनाल में मुझे गुलाब दिया तो मैंने गलती से तुम्हें थप्पड़ मार दिया, जिसके लिए मैं आज तक सॉरी नहीं बोल पाई। इस बात का एहसास मुझे आज भी है। इसमें तुम्हारी तो कोई भी गलती नहीं थी। वो तो गुजरा हुआ कल था प्रिया, उसे सोचकर परेशान मत हो। उसके बाद मैं जब भी तुमसे मिलना चाहती थी तुमसे मिल नहीं पाती थी, क्योंकि हमेशा मेरा भाई मेरे साथ रहता था। तुमने मेरे भाई की जान बचाई। अब मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान गई हूँ। तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान इस धरती पे बहुत कम मिलते हैं। मैं तब भी तुम्हें हॉस्पिटल में सॉरी कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई, इसलिए आज तुमसे सॉरी कहने के लिए आई हूँ। तुमने सब कह दिया क्या? मेरे लिए तुम्हारे दिल में नाराजगी तो नहीं है ना? क्या करो? तुम इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हो? बताओ तो सही। तुम इतनी देर से किसी से फोन पर बात कर रही हो, मैं सब जानता हूँ। मैंने कुछ पूछा क्या? नहीं पूछा ना, तो तुम भी मत पूछो। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या इस घर में सुनने के लिए किसी के पास कान नहीं है क्या? डैडी को आने दो, तुम्हारा लव लेटर का मैटर बताऊंगा। सॉरी डियर, आज के बाद मैं तुम्हारा होमवर्क कर दूंगी। तुम्हारा लव लेटर अगर मैं छुपा कर रखूँ तो तुम मेरा होमवर्क कर देती हो, ये बात मैं डैडी से बताए बगैर नहीं रहूँगा। अरे सुनो अरविंद, अरविंद मैं डैडी को जरूर बताऊंगा। डैडी क्या है? क्यों तुम लोग आपस में लड़ रहे हो? डैडी डैडी एक खास बात दीदी ने आपसे छुपा कर रखी है और वो आपको बताना नहीं चाहती। आइए आइए डैडी, मैं आपको बताता हूँ। आइए आइए डैडी, अंदर आइए। कितने दिनों से चल रहा है ये सब? बताओ। मैं खुद बताना चाहती थी डैडी। इधर आओ। पिता को देने वाला बर्थडे गिफ्ट कोई इस तरह से छुपा के रखता है? तुमने जो गिफ्ट मुझे देना था वो इसने मुझे पहले दे दिया, इसलिए इसने बाजी मार ली। मेरे बच्चों, तुम ही तो मेरी दौलत हो। तुम्हें क्या लगा था मैंने सब बता दिया डैडी को? डर गई थी ना? बोलो बोलो। अच्छे ढंग से तैयार हो रहा है डैडी। हो ना हो कोई खास बात जरूर है। मुझे भी लगता है कुछ बात जरूर है। ये कहाँ जा रहा है पता लगाना पड़ेगा, समझे? शाम तक मैं पता लगा लूंगा। आसमान से आया फरिश्ता। अरे इधर क्या कर रहा है? सारी दुनिया मंदिर में त्योहार का खाना खा रही है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ वही तो मैं कहना चाहता हूँ। मैं जा रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई, होने वाला काम भी नहीं होगा, इसलिए तो मैं रिवर्स चला आ रहा था। अरे तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ है। इतने बड़े शहर में हजारों बिल्लियाँ चल रही है, जाने कितनों का रास्ता काटती है, तो क्या वो अगर ऐसे अंधविश्वास पे विश्वास करेंगे तो बिल्लियों को पकड़ के शहर से दूर किसी खाड़ी में जाके फेंकना पड़ेगा, समझ लिया? कहते हैं बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशगुन होता है। अरे चल रहे पागल, अच्छा बुरा सब किस्मत का खेल है, जो काम करना है वो कर। अरे ऐसे कैसे मैं चला जाऊँ? 1000 रुपए लेना वहाँ से। 60,000 लेना है क्या? ए, मैं जा रहा हूँ ना फिर यहाँ से। बुल्ली रास्ता काट गई, मुझे भी वापस जाना चाहिए। ये कंप्यूटर के जमाने में ये सब मत सोचो। मत मारना, मैं कैसा मुंडा तुझे मालूम है? अरे मेरा सर फट जाएगा। अरे जैसे मत मारना यार। अरे मेरा सर, मैं लेफ्ट में था आप राइट में थे, इसलिए आपको लग गया पत्थर, नहीं तो नहीं लगता। मुझे लगता एक से बच गए, दूसरा भी है मेरे पास। देखिए फिर पत्थर मारा है। अरे बचाइए भाई साहब, बचा लीजिए बचा लीजिए भाई साहब। फिर मारा मुझे हो गया। अरे क्या करूँगा? फिर मैं लेफ्ट में था इसलिए पत्थर आपको लग गया, समझ गए कि नहीं? अरे ये क्या? अरे तुमने अपने खेल में मेरा सर क्यों फोड़ दिया? अरे भाई सारे पत्थर खत्म हो गए, अब हम ये खेल कल खेलेंगे। चलो हो गया, कोई बात नहीं, हम चलो भाई चलो। मैंने बड़े बड़े पागल देखे मगर ऐसे पागल नहीं देखे जो ऐसा खेल खेलते हैं। इनके खेल से मेरा सर फूट गया, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं पत्थर मारूं। अरे मैं इनसे बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं इनको मैं। अरे बिल्ली आ गई। आज कुछ खास लग रहा है, कुछ हम लोगों से पूछना चाह रहे हैं। अरे सब में बराबर से डाल रहे हैं पार्टी। कर रहा हूँ दादा। चलो चलो चलो, बैठो आ गए तो बैठ जाते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर बैठो, तुम भी बैठो। स्मॉल या लार्ज? दादा बात क्या है? बहुत जोरों में पार्टी चल रही है, आप अपना बर्थडे मना रहे हैं। और क्या, शादी की सालगिरह है बाबा। हम लोग हार गए, दादा जीत गए, इसी खुशी में ये पार्टी हो रही है क्या? अरे नहीं रे बाबा, एंजॉय करने का मन हुआ तो आ गए। मेरा पोता आज बहुत खुश नजर आया, इसलिए मैं भी खुश हो गया, इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ पे बुला लिया है। देख किया ना? हाँ तो ठीक है, अब शुरू करो तुम लोग। ए देख क्या रहा है? डालू डाल। हाँ चलो तो शुरू करो, शुरू करो। हाँ चलो, ला मेरा गिलास ला। शुरू करो। ऐसा करोगे तो टूट जाएगा। अरे स्लो स्लो क्या पी रहा है? फास्ट फास्ट पी। कैसा है? और तुझे मूंगी काटने जैसा धीरे धीरे चढ़ रही है। अरे अरे तू क्या देख रहा है, उसे और दे। ए, इनका मुकाबला मत करना, ये बहुत पुराने चावल हैं। अरे इसमें और डाल यार। दादा के पास बैठ के सपोर्ट कर रहा है। जब साथ में पीते हैं तो क्या यार, ये मेरे दादा नहीं दोस्त भी हैं, समझे। तेरा क्या हुआ रे? अरे दादा, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाई थी तो मेरे बाप ने मेरे शर्ट में उसके नाम का ताजमहल बना दिया। शर्ट को देख देख के दिन काटना पड़ रहा है। वो चली गई दादा। ठीक है उसे जाने दे, छोड़ उसे, तू दूसरी सेट कर, मैं देखता हूँ। तुमसे होगा क्या? ये तेरे से होगा क्या? ग्लास भर, दूसरा लेके पीना। मेरा ग्लास भी भर। अरे मेरा ग्लास किधर है? तू चुप क्यों बैठा है? अरे दादा, अभी तो सिर्फ एक पैक पिया हूँ, पूरा बोतल जाने दो, फिर बताता हूँ इसके बारे में। अरे कुछ मत बोल यार। किसी का ग्लास खाली मत छोड़, भटते रहा। मैं थोड़ा सबसे हटके हूँ, राजा रामलाल जैसा। कौन, तुम या फिर कोई और? और नहीं तो क्या, मैं आज भी जवान हूँ, अभी लड़की से प्यार करता हूँ। अभी इसको देखो, पहले ब्रह्मचारी बना हुआ था, अभी प्यार का पुजारी बन गया। कोई इसी दिन का इंतजार करता है। अब तो शर्म उतर जाए ना, ऐसी कोई अच्छी न्यूज दो भाई, अच्छी न्यूज दो। तो कौन सी लड़की? शराब पीने आए हो तो चुपचाप पी के निकल जाओ, बैठ के तुम सब फालतू बातें मत करो। इसका मतलब सच बताना नहीं चाहिए दोस्तों। तूने बहुत गलत किया यार। अरे क्या जरूरत थी यार दादा के सामने बोलने की? ये बात नहीं है यार। ये बात नहीं तो क्या है? दारू पीने के बाद दूसरे की लाइफ में झांकना सबसे बुरी बात है। ये क्या हर बात में परमिशन लेनी चाहिए? दिल में आया कह दिया। दारू सब हम लोगों ने भी तो किया था ना, पर इसके जैसा तो नहीं किया ना। इतना पीने के बाद भी कंट्रोल में थे और होश में भी। दूं क्या इसको? बेवड़ा कहीं का। वो बुढ़ा जब बार बार पूछ रहा था तो हमें समझ लेना चाहिए था। मुझे तभी डाउट हो गया था। बुढ़ाऊ ने हमें एक साथ बुला के जब दारू की पार्टी रखी थी और पोते के बारे में जानने के लिए किया तो मैं समझ गया था। समझ बस करना, सारे लफड़े खत्म होने के बाद ही तुझे डाउट होता है क्या? ए सोन, शिवा के साथ हमारी दोस्ती कब से है? तूने अभी तक उसे पहचाना नहीं? उसके प्यार के बारे में पता चला काफी नहीं है? अरे ये बात नहीं है यार, उसके घर में रह के हम उसके ही खिलाफ बोले ये ठीक नहीं है। दूसरा कोई होता तो गिरेबान पकड़ के निकाल देता। कल हम सब लोग चल के उसे सॉरी बोल देंगे यार, ठीक है ना? डैडी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ चलो। प्यार हो गया है क्या डैडी? मैं तुम किसे प्यार करते हो मैं नहीं पूछ रहा। मेरे लाडले की शादी हो जाए बस मेरी यही तमन्ना है, समझ गए? लेकिन शादी से पहले मेरा बेटा प्यार कर बैठा है जानकर मुझे दुख हुआ। तुमने बताना मुनासिब नहीं समझा। उस लड़की का बाप अगर पूछ बैठे लड़का क्या करता है, क्या जवाब दोगे? बाप ने ढेर सारी दौलत कमा रखी है, तीनों वक्त खाते पीते घूमते रहते हो और आके सो जाते हो, यही कहोगे? मेरे लिए भले नहीं बेटा, लेकिन बाप की इज्जत बढ़ाने और तेरी अपनी शान बढ़ाने के लिए तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। जो जिम्मेदारी समझता है वही जिंदगी की जिम्मेदारी को निभाने में सामर्थ्य रहता है और समझदार रहता है। जो नौकर चाकर रख के काम कराते हैं और उन्हें पगार देते हैं उन्हें कहा जाता है सेठ जी। हमारी कंपनी किस चीज का बिजनेस करती है जानते हो? हमारी फैक्ट्री क्या खरीदती है, क्या बेचती है, कितने लोग काम करते हैं, किसको कितना पगार देते हैं, क्या आता है क्या जाता है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना टैक्स भरते हैं, कितना नहीं भरते हैं। ये सब जानने की तुमने कभी कोशिश की है? नहीं की। जब भी मैं कहता हूँ कोई न कोई बहाना करके अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर घूमने के लिए निकल जाते हो। देखो बेटा, तुम एक बड़े घर में जरूर पैदा हुए हो, ऊपर वाला चाहेगा तो तुम मुझसे ज्यादा तरक्की करोगे, ज्यादा नाम कमाओगे, इसलिए तुम जरा अपनी जिम्मेदारी को भी समझो। शायद मेरी बात तुझे कड़वी लगेगी। जब कभी भी तुझे सर दर्द होता था तेरे सर के पास 50 डॉक्टर ब्रीफकेस लेके खड़े हो जाते थे और तेरी देखभाल करते थे। तो मेरा प्यारा बेटा है, मैं चाहता हूँ अपनी जिम्मेदारी को समझे और कुछ नाम कमाए। और मॉरल सपोर्ट के लिए तो तेरा बाप जिंदा ही है। मैं पागलों जैसा बड़बड़ा रहा हूँ यही सोच रहा है। खैर, तू नहीं समझ पाएगा, नहीं बताया कोई बात नहीं। अगर इस प्यार के बारे में तुम नहीं बताना चाहते तो खुश रहो। ऑल द बेस्ट यू, गॉड ब्लेस मी। और एक बात तुम्हें सोचना बेटा कि मेरा बाप पागलों की तरह क्लास में आके टीचर ने जैसा लेक्चर दिया, इसका बुरा मत मानना। एंजॉय करना है तो करो, नहीं तो जस्ट फॉरगेट इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जो अपने फर्ज को समझता है वही जिम्मेदार होता है, फर्ज के प्रति काबिल होता है। ये लो भैया मसाला टी। क्या बात है, ये गिलास भी बिल्कुल तेरे जैसा ही है। वो क्या है, महंगाई में कम हो जाते हैं, ज्यादा खाएंगे तो दोनों बड़े हो जाएंगे। तुम लोग जाओ और बड़े हो जाओ, क्या छोड़ दे, बिल्कुल तांत्रिक लगता है। तुम क्यों बचाऊं और किस लिए बचाऊं मैं तुम लोगों को? एक विधवा को जिंदगी देने के लिए मैंने उससे शादी की तो पूरा गांव मेरे पीछे पड़ गया। यही तो हमारे गांव की खासियत है कि अच्छे लोगों को काटते हैं, इसीलिए गांव छोड़कर तुम दूसरे गांव में चले जाओ, तभी तुम इस लड़की को अपनी पत्नी बना सकोगे और फिर इसके साथ चैन से रह सकोगे। अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो तुम मेरे पास सीधे चले आना, मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। तुम दोनों इस वक्त मेरी शरण में आओ, मैं सब संभाल लूंगा। इधर ही ठीक है, तभी ये सेफ रहेगी। अब मेरी पंचायत में फैसला होकर रहेगा। हमारे गांव के हैं, नहीं दूंगा, इसलिए जो भी करना है तुम कर लो। इसने क्या गलत किया? एक विधवा का घर बसाना अच्छी बात है, लेकिन ये किसकी विधवा है तू नहीं जानता है, इसका फैसला हम लोग करेंगे। इसका फैसला करने वाले तुम लोग पंचायत ही है। ये लोग पंचायत है क्या? एक विधवा को जिंदगी देने के लिए मैं उसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ, उसमें बुराई क्या है? लिया ना, हथियार उठाने से पहले सब कुछ समझ लेना चाहिए। मैंने बहुत सारी विधवाओं को देखा, मुझे कोई पसंद नहीं आई, लेकिन ये माथे पे बिंदिया लगा के, सर पे गजरा सजा के, सज संवर के, झमझम करके जब आती है तो मेरा मन भाग भाग हो जाता है इसको देख करके। इसका आदमी महाबुद्धू है, कोयले की खान में काम करता है, इसके लायक था ही नहीं। सब कुछ मैं ही बताऊँ क्या, तू भी तो कुछ बता। ये दारू बेचते थे और मैं भी उनके लिए दारू लेने जाती थी, और ये वहाँ पर मुझे मिल गया और हमारा चक्कर चल गया। मुझे भी पसंद है। इज्जत से इसको मेरे हवाले कर दे, हम उसको लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे, इसने अपने आदमी का खून किया है। क्यों बे, एक औरत अगर पसंद आ गई उसके आदमी को मार के उसे विधवा बना के उससे भगाने का भूत चढ़ा है तुझ पे। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जब वो लड़ा तो अपने आप मर गया। लड़कियों के लिए कितने खून किए, 6 आदमी का, और तूने तेरी वजह से। पहले तुझे मारना चाहिए। भाई साहब मुझसे गलती हो गई, ऐसी गलती करने वालों को, सपोर्ट करने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए, इसकी सजा इनको मिलनी चाहिए। अब मैं इन दोनों को तुम्हारे हवाले करता हूँ। क्यों भाई, हमें बोल वचन दे के उन्हें भगा दिया। ए, इसको छोड़ना नहीं, मारो साले को, मारो मारो। क्यों बेटा, अपने बेटे से कैसे बात करते हैं ये भी तुम्हें नहीं मालूम? उसके पीछे ही पड़ जाओगे तो क्या मान जाएगा? डैडी, जो सब कुछ हुआ उसे छोड़ो ना, भूल जाओ, दिमाग मत खाओ प्लीज। देख बेटा, तूने मेहनत करके यहाँ पर बहुत कुछ बना लिया है, तू क्या चाहता है कि वो भी मेहनत करे तुम्हारी तरह? उस वक्त मैं, तेरी माँ, हर किसी ने मेहनत की थी, लेकिन आज वो तेरा बेटा मेहनत से कोसों दूर भागता है, क्योंकि तू करोड़पति है। करोड़पति ये बात नहीं है डैडी, मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो क्या मेहनत करेगा, तू जो कहना चाहता है वो बोल, मगर सख्ती से नहीं, उसे तू प्यार से समझा। तू मेरा बेटा है, जब तू उसकी उम्र में यही कहता था, अगर तू उसे बार बार टोकेगा वो बिगड़ जाएगा, उसकी लाइफ बिगड़ जाएगी। लाइफ चढ़ गई क्या, समझे क्या? हाँ। नहीं समझा? अरे क्या कर रहा, छोड़ सा, छोड़, कम पिया कर। दोनों डैडी मुझे क्या मुकाबला करेगा तू? एक दिन तू उसे जरूर समझ जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, तू समझ जाएगा। अब कर बेटा, बिजनेस में बहुत टेंशन है डैडी, कब तक इंतजार करूं? सॉरी डैडी। तू मेरा बेटा है, लाइफ में हजारों प्रॉब्लम आते रहते हैं, उसको अपने ऊपर या परिवार पे थोपने वाला मर्द नहीं होता है, समझे? इसको तू दिल पे मत रखा कर, जा सो जा। गुड नाइट डैडी। हाँ संभाल के, तू हिल रहा है। उसके बाद और एक पैक चढ़ा। डैडी समझ गया, थैंक यू। वो कुछ नहीं, तुम्हारा कॉलेज का टेंशन दूर हो गया ना, अब खुश हो ना? ऐसा कुछ नहीं है डैडी, चलिए। गुड बॉय, गुड बॉय। अपने पिता से तू नाराज है ना? साहब ये भी फोन पे बात ही कर रहे हैं। हेलो, हे भगवान, इतना पीली है कि रिमोट को मोबाइल समझ लिया है। हेलो परमेश्वर, मैं बोल रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे ऑक्शन में जाना है, थोड़ा जल्दी तैयार हो जाना। अच्छा, सुबह 6 बजे उठ के प्लीज। सुनिए जी, अभी तक क्या सो रहे हैं? टाइम क्या हुआ भाग्यवान? 10 बज रहे हैं। ओह माय गॉड, परमेश्वर किधर है? सर 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 सर, गुड मॉर्निंग। सुबह कितने बजे बोला था? सर मैं आया था। इस घर में तेरी क्या हैसियत है? सर्वेंट हूँ। ओए परमेश्वर, वो आया था सर। आप बहुत थक चुके थे सर, आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए उठाया नहीं सर। मेरा ऑक्शन में मुझे 6 बजे जाना था और 10 बजे जगा रहे हैं। रिमोट से फोन कर रहे हैं, गुस्सा हम पे हो रहा है। पहले क्यों नहीं बताया तूने मुझे? आया सर, आया सर। 5 करोड़ फर्स्ट टाइम। 6 करोड़। क्यों सर, क्या है? ऑक्शन हाथ से चला जाएगा क्या? हाँ, इतनी देर सोते रहेंगे तो क्या होगा? 6 करोड़ फर्स्ट टाइम। दोबारा मुझे कोई भी काम करना पड़े तो होटल में रह के करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। 7 करोड़। दूसरा कोई बाजी मार जाएगा और मार्केट में मेरी बदनामी हो जाएगी। 7 करोड़ सेकेंड टाइम। पता नहीं क्या। 8 करोड़। 8 करोड़ फर्स्ट टाइम। 9 करोड़। 10 करोड़ फर्स्ट टाइम। 10 करोड़ सेकंड टाइम। डैडी आप यहाँ? ऑक्शन। हमारी कंपनी हमेशा नंबर 1 रहेगी डैडी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका सपना मैं पूरा करूँगा डैडी। देखो ना, ये मेरा बेटा है। क्या साहब, इतना होनहार बेटा है आपके पास, फिर आप क्यों टेंशन लेते हैं? ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। चलता हूँ। थैंक यू दिवाकर, थैंक यू। इतना होनहार बेटा है, पहले क्यों नहीं लाए? चलता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबके हाथ से छीन कर इसने आपकी कंपनी को टेंडर दिलाई दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, आई एम वेरी प्राउड। आज तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, पता है तुम्हें? आप खुश है ना डैडी? खुश हूँ। आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई से आई एम वेरी हैप्पी बेटा, वेरी हैप्पी। शिवा, आज तूने जो किया उससे मुझे बहुत खुशी मिली। तुम जानते हो, अगर आज का ये ऑक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो पूरे शहर में मेरी बहुत बदनामी होती बेटा, और सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। ये तो कुछ भी नहीं है डैडी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आज के बाद आपका बिजनेस मैं संभालूंगा, ठीक है ना डैडी? तेरी ये बात सुन के बेटा, वाह बेटा वाह, मैं भी यही चाहता था कि मेरा सब कुछ तू संभाले। तू संभाल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। कल से अब मेरे लिए सिर्फ एक ही काम है और मैं वो काम करके रहूंगा बेटा, और पूरी लगन से लग जाऊंगा। कौन सा काम डैडी? बाप बेटे के बीच में एक जिम्मेदारी होती है, जानते हो ना? बाप का जो सपना है उसे बेटे को पूरा करना चाहिए। ले प्रसाद, बेटे का सपना बाप को पूरा करना चाहिए। मेरा सपना तू पूरा कर रहा है तो तेरा सपना मुझे पूरा करना चाहिए, ये मेरा फर्ज भी तो बनता है। टेंशन की कोई बात नहीं है बेटा, इतने बरस से मैंने मनमानी की और अब तेरी बारी है। आखिर ये सब इंसान ही तो करेगा। वो लड़की कौन है डैडी? कोई नहीं है यार। छुपा मत यार, चोर पकड़ा गया। कोई नहीं है, अब नहीं छुपा सकता तू। मैं नहीं बताता। इधर देखना, इधर देखना, मेरी बहू को मैं भी तो देखना चाहता हूँ। जाओ ना, मजाक मत करो प्लीज। बता देना डैडी, आई लव यू यार। क्या हुआ डैडी? देखो देखो, मेरा पोता जवान हो गया। अरे ये सब क्या है? क्या दादा, तुम्हारा पोता तो लड़की पटाने में लगा है। ओके। अरे बाप रे दीदी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे आओ तो सही, बताओ तो सही। अरे आओ दीदी, दीदी टीवी में देखो, डैडी किसी को पीट रहे हैं। कितना शरीफ बच्चा है, बिना वजह ही बेचारे को कितनी मार खानी पड़ी। चुपके से तो गुस्ताखियां ना कर, जाने देना तो मुझको यूं न सता रे। मेरी पुरानी उम्र है, मुझे छेड़ो ना, मैं खेलती कली हूँ, मुझे तोड़ो ना। सर, दूध पीने के बाद कसरत करो सर। नहीं चाहिए, ले जाए यहाँ से। थैंक यू सर। मैडम, आप दूध पियोगी क्या? वाव! तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? तुम वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि इस उम्र में खाने के सारी चीजों का मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सारी चीजें खानी चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है? तुम्हें शर्म नहीं आती? बाहर जाओ इस कमरे से। तुम तो नहीं कहोगे, मैं ही शुरुआत कर देती हूँ। निकल यहाँ से, बेवजह में आई बदतमीजी करने लगी। यहाँ देखो, मैं भी उल्टा हूँ, मेरा भी पेट दिख रहा, क्या ख्याल है? अरे बाप रे, काम धाम छोड़ के तुम। मुझे क्या काम है दादा? कब से तुम यहाँ खड़ी हो? बस नहीं आई है क्या? एक लेडी से ऐसी बात करता है? एक लड़की से ऐसी बात करते हो? क्या केस है सर, चोरी का है क्या? ए, सिगरेट देना जरा, देखने में भी अजीब लग रहा है। एक ही तो है यार। अरे दूसरा ले लेना यार। बोला क्यों सर? बस में जाने वाली लड़कियों का किडनैप करता है क्या ये हरामी? कहीं का बहन मानता ही नहीं है साला। जाने देना। देखो ना इसको, कोई यकीन करेगा कि ये जेल से छूट कर आया है? शक्ल से तो चोर लगता है। क्यों साहब, गांजा चरस पीता है क्या ये? वाकई साला चोर जैसा दिखता भी है। साले ने जरूर हाथ मारा होगा, चोरी तो की होगी, तो नहीं तो टोपी तो पहनाई होगी। इसने क्या किया साहब, बताइए ना। अरे जब साहब इतना पूछ रहे हैं तो खुद ही बता दे। देर पहले मैं भी तेरे जैसा कर रहा था, लेकिन नतीजा देख लो। चलो भाई यहाँ से निकलो, नहीं मार पड़ेगी। चलो सर, बिना कुछ समझे किसी को बोलना गुनाह है सर, गलती हो गयी सर, मैं चलता हूँ। तुम लोग खड़े क्यों? नहीं नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे, हमको कहीं और जाना है। क्या रे दादाजी, आप ही समझाओ इनको। सुना नहीं क्या? चलो गाड़ी में बैठो। पहले प्यार से मिलने जा रहे हो, हम कबाब में हड्डी क्यों बने? क्या यार अपने बच्चे की गाड़ी में जा रहा हूँ, मुझे क्या फिक्र है। अरे दादा, इसका भरोसा नहीं है, बीच रास्ते में उतार देगा। अरे उसे छोड़ो, हम साथ में चलेंगे दादा। अरे आज के पेपर में आप लोगों की फोटो छपवा डालूंगा। छोड़ के आता हूँ मैं, ठीक है? बेटा गाड़ी रिवर्स किया, आगे चलो ना। दादाजी थोड़ा नीचे उतरिए ना। नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। दादाजी जैसे उन्होंने कहा था, मुझे आधे रास्ते में उतारा। दादा 5 मिनट एक काम निपटा के मैं वापस आ जाऊंगा, आप उतरिए ना। छोटा सा काम है, बस स्टॉप पे लड़कियां खड़ी हैं, उन्हें पटाना छोटा काम है क्या? दादाजी चुपचाप नीचे उतरिए, नहीं तो धक्का मार दूंगा मैं। धक्का मारेगा? जी हाँ, गली का आवारा कुत्ता बना दिया। हाँ ठीक है, उतरिए आप जल्दी। दादा उतरिए तो। ऐसा जमाना आ गया है। कहाँ चली गई? मैंने बोला उसको भी आ रहा है। अरे सब क्या तमाशा है, देखो यार बीच रास्ते में इनको छोड़ के वो फरार हो गया, पता नहीं कहाँ। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? दादा जब तुम घर से निकल रहे थे तो मैंने बताया था ना कि वो बीच रास्ते में छोड़कर चला जाएगा, और वो तुम्हें छोड़कर चला गया ना। देखा ना दादा, अब राजकुमारी और राजा रानी बेटा सब एक हो गए हैं, और असली शहंशाह को अकेला छोड़ दिया है। दादा तुम यहाँ अकेले बैठे हो, अगर कोई गाड़ी वाला उड़ा दिया तो क्या करोगे? ये शिवाजी के जमाने के सिपाही है, इन्हें कुछ नहीं होगा, चल घर चलते हैं। नहीं तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा लड़कियाँ देख कर आता हूँ। दादा इस उम्र में आप किसको देखने जा रहे हो? 10 उंगलियां मजबूत है, मैं जाऊंगा। जाओ, पुलिस वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अरे पुलिस आएगी तो उनको भी साथ ले लो। हेलो शिवा, मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ प्रिया, मैं सुन रहा हूँ। बोलो कहाँ हो तुम? कहीं पर हूँ। मुझे ढूंढ रहे हो क्या? नहीं, खाना खा रहा हूँ मैं। खाना टेस्टी है क्या? तुमने खा दिया क्या? नहीं खाऊंगी। दाल फ्राई, मटन कबाब, चिकन फ्राई, सब कुछ है यहाँ। तुम्हें कैसे पता ये मेरे घर पे बना है? क्यों? अगर सर्व करूँगी तो मेनू का पता नहीं चलेगा? मेरे घर पे तुम सर्व कर रही हो, तो फिर मेरी मम्मी आज अपनी सासुआ को फुल ड्रेस दे रही हूँ। मैंने टेस्टी खाना बनाया है और प्यार से खिला रही हूँ। अच्छा तो तू खिला रही है? क्या बात है, क्या बात है। मम्मी ने बहू को घर में बैठा लिया और मुझे खबर तक नहीं की। माँ को तुम पसंद आ गई हो क्या? तुम अपने प्यार को लाख छुपाओ, पर मेरी सासू माँ ने मुझे अपनी बहू पहले से ही मान लिया है। हाँ, और अपनी सासू माँ की अच्छी बहू बन के मैं जरूर दिखाऊंगी। देखो प्रिया, मेरी मम्मी का अच्छे से ध्यान रखना। भैया भैया, मैं भी यहाँ पर हूँ। आंटी दीदी के साथ मुझे भी घर ले आई है। अरे बदमाश, तुम दोनों इस वक्त मेरे घर पे ही हो। और इधर ला बेटा, तुम मुझे उधर छोड़ आया था, मैं भी यही हूँ। दादाजी, अरे काट दिया। हाँ डैडी, वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, बिजी होगा, और आप फोन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। डैडी, कुछ राज की बात दिल में रहे तो अच्छा रहता है। अगर वो खुल जाए तो मजा खत्म हो जाता है डैडी। ये मेरा बताया रास्ता मुझे ही बता रहा है। दादा, माँ जी के साथ सर ने इसी तरह सेटिंग की थी क्या? क्या कहा? पोता जैसे चल रहा है तो आप भी जवानी में ऐसे ही होंगे ना? अरे बाप रे, भैया भैया थोड़ा मुड़के देख, क्या नजारा है। कौन वो नुक्कड़ वाला लड़का है क्या? लड़का लड़की के चक्कर में आया है लगता है। तुझे क्या करना है, लड़का लड़की को पटा लिया है, तेरा नंबर गुल हो गया है। ऐसा क्या, तुझे कैसे पता? अरे लड़के को पसंद होगी, दोनों राजी होंगे, और क्या, इससे ज्यादा क्या होगा। यार के चक्कर में वो कहाँ पड़ता है, इसके जैसी 10 लड़कियों को खरीद सकता है। ऐसा क्या, क्या हर बार अलग अलग लड़की को पटाता रहता है? और नहीं तो क्या, गाड़ी में ही सब कुछ कर डालता है। कौन क्या है ये तुम लोग सही से जानते नहीं। आज की जनरेशन इतनी बिगड़ गई है, कब किसको छोड़ता है, कब किसको पकड़ता है, कोई जानता ही नहीं। आजकल तो सब कुछ चलता है खुलेआम। आजकल किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। हमारे जमाने में ये सब नहीं होता था। आज तो इज्जत की किसी को परवाह ही नहीं है। हरे रंगों से मिल के तितली बन के मैं उड़ू तनन। दादी, गाना खत्म करके नीचे आ जाओ, जल्दी आओ। पड़ा रहता है। दादी, ड्रेसिंग टेबल पर कंघी रखी थी, देखी है क्या? तेरी ड्रेसिंग टेबल पर रखा कंघा लेकर मैं क्या करूंगी? प्यारी प्यारी प्रिया ने कौन सी चीज कहा रखी है, आजकल उसे याद ही नहीं रहता ना। बेटी प्रिया, तेरे दिल में क्या चल रहा है ये बात तुझे अपने डैडी से शेयर करनी चाहिए ना। हाँ? तूने कभी कोई चीज मांगी और मैंने कभी इनकार किया है क्या? बोलो ना बेटी। कैसी बात कर रहे हो बेटा तुम? हर जन्म में तू ही मेरा बेटा बनकर जन्म लेता रहे, यही मैं दुआ करते आई हूँ। लेकिन मुझे एक ही बात का दुख है, मेरी बहू अगर जिंदा होती तो शायद आज तुझे ये तकलीफ ना होती। मेरी पोती जवान हो चुकी है, लेकिन उसे समझाने वाली माँ यहाँ नहीं है। बेटी प्रिया, तुझ में कोई कमी है क्या, बताओ। नहीं दादी। नहीं, तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मेरे लिए वो ही आप है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये बात नहीं है बेटा, तुझे इस बात का दुख हो तो? आज तक कभी ऐसा सोचा नहीं दादी। और तुझे? कुछ भी नहीं दादी। मेरे दिल में भी एक सपना है। तुमने जब भी मुझसे जो मांगा है मैंने उसे हमेशा दिया। अब मेरा जो सपना है वो सपना तुम लोगों को पूरा करना होगा। बिल्कुल दादी। आज मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। बताओ बेटा। नहीं डैडी, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगी। बाप होने के नाते मेरे सर पे एक जिम्मेदारी है। तुम एक काम करो, शाम को कंप्यूटर क्लास छूटने के बाद जल्दी आ जाओ, तब बताऊंगा। अरे यार, अब जल्दी से जेल नहीं जाना होगा। शरीर में अब कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ। तो फिर क्या करेंगे यार? मंदिर चलते हैं यार। अरे मंदिर में अपना काम नहीं है यार, जितने मंदिर जाते हैं सब तो जेल में हैं स्वामी लोग, और हम ना मंदिर जाएंगे ना जेल जाएंगे यार। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। क्यों रे, ऐसा कैसा गाना गा रहा है? ना सुर है ना ताल है और गाना गा रहा है क्या? आंखें आंखें तकती तुझे माँ, आजा आजा बेचैनी है माँ, उधर देख। आंखें आंखें तकती तुझे है, आजा आजा बेचैनी मुझे है, ढूंढे ढूंढे दिल मेरा ये तुझे, होती है कितनी मुश्किल मुझे। तू कहाँ खो गई थी, मेरी सजनी हो गई थी, अब देख धड़के मेरा जिया। अरे तेरी आवाज पे दिल के साज पे झूमता रहूं मैं पिया पिया। आंखें आंखें तकती तुझे है, आजा आजा बेचैनी मुझे है, ढूंढे ढूंढे दिल मेरा है तुझे, होती है कितनी मुश्किल मुझे। तुम हो समंदर, मैं हूँ एक प्यासा, आके मेरी प्यास बुझा जा। राह में कितनी मुझको पर संग न चला कोई सजना, किस किस को समझाऊं? जिसको भी समझाऊं मैं, जिसको भी देखूं मैं, इसी प्यार में है डूबे। आजा हसीना मेरी राह में, हम है तेरी दीवाने कब से खड़े। यहाँ अब प्यार बचा है तो बता, किसी के भी दिल में प्यार है तो दिखा। आंखें आंखें तकती तुझे है, आजा आजा बेचैनी मुझे है, ढूंढे ढूंढे दिल मेरा है तुझे, होती है कितनी मुश्किल मुझे। के आया हूँ मैं, गुड़िया सी लड़की, आंखों में मस्ती देखी नहीं कहीं भी। ओ पापी है किधर? आहा, क्या बात है। ओ पापी है किधर, ढूंढ के उसे मैं थक गया हूँ। मेरी माँ कहाँ रहती है, वो कैसी लगती है वो, अब तू ही को बता। है नाम नहीं तो उसका पता बता दे, या फिर एक बार उसको ही मिला दे देना। आंखें आंखें तकती तुझे है, आजा आजा बेचैनी मुझे है, ढूंढे ढूंढे दिल मेरा ये तुझे, होती है कितनी मुश्किल मुझे। तू कहाँ खो गई थी, मेरी सजनी हो गई थी, अब देख धड़के मेरा जिया। अरे तेरी आवाज पे दिल के साज पे झूमता आंखें आंखें तकती तुझे है, आजा आजा बेचैनी मुझे है, ढूंढे ढूंढे दिल मेरा ये तुझे, होती है कितनी मुश्किल मुझे। सब देख लिया ना? प्रिया, तुम कब तक ये बात अपने मम्मी पापा से छुपाती रहोगी? क्यों? और नहीं तो क्या, हमारी शादी के बारे में कितना सोचते हैं वो लोग, पता है तुम्हें? शादी की तुम्हें जल्दी है क्या? देखो मजाक बहुत हो गया, तुम बात करोगी या मैं आकर तुम्हारे डैडी से बात करूं? तुम पहले गाड़ी में बैठो। हम दोनों कब तक ऐसे रहेंगे? सपने को सच करना है, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं। ओके ओके, तुम कुछ मत करना, तुम्हारे बात करने से पहले मैं खुद बात कर लूंगी, टेंशन मत लो। तुम्हें उन पे इतना भरोसा है? देखो शिवा, आज तक मेरे डैडी ने मेरी किसी बात को ठुकराया नहीं है। हम दोनों के बारे में बताऊंगी तो तुरंत वो मंगनी की रस्म लेकर बैंड बाजे के साथ तुम्हारे घर पर आ जाएंगे, देख लेना। तो फिर कहती क्यों नहीं उनसे? ए, तुम्हें तो इतनी जल्दी है, जैसे सब कुछ तुम आज ही कर जालोगे, है ना? और नहीं तो क्या। ओके बाबा, घर पहुंचते मैं आज डैडी से ये बात कर लूंगी। ठीक शाम के 6 बजे मुझे फोन करना, ठीक है? ठीक है। घड़ी अपनी रफ्तार से चलती है या नहीं, लेकिन मेरा हार्ट बीट अभी से तेज हो रहा है। रहने दो रहने दो, सपना जब हकीकत में बदलने वाला होता है तो हार्ट बीट तो बढ़ता ही है। ला 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 ला। आओ बेटी, सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। 15 सालों के बाद तुम्हारी मम्मी के रिश्तेदार तुम्हें देखने लंदन से आए हैं, कितनी खुशी की बात है। आओ बैठो। वेरी गुड। क्यों पंडित जी, शगुन पूरा किया जाए? बिल्कुल पूरा किया। अरे अरे, ये सब तो ओल्ड फैशन है अंकल, मेरी और इनकी शादी तो होनी ही है, ये रस्म तो दिखावा है सब। अगली कार्तिक माह में 20 तारीख को शुक्रवार की सुबह 9 बजे श्री वेंकटेश्वर कल्याण मंडप में भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारी और हमारी शादी का मुहूर्त निकाला गया है। हम दो परिवारों की इच्छा से शुभ शुभ काम पूरा करेंगे। ये लीजिए। ले लो बेटी, ले लो। दामाद जी, ये सब तो हो गया है बंगूठी की रस्म। श्योर अंकल। मैंने तुमसे कहा था ना, ठीक 5 बजे आ जाना, डैडी तुझे एक सरप्राइज देंगे। यही है वो सरप्राइज बेटा, तुम खुश तो हो ना बेटा? हाँ बेटा। सुबह तू भी मुझसे कुछ बताना चाहती थी, क्या बात है? नहीं डैडी, आपकी खुशी मेरी खुशी है। दादी, अरे कुछ तो बोलिए जनाब। कोई बात ही नहीं कर रहा है। तुम देखो, बुरा मत मानना, तुम्हारा होने वाला पति बेडरूम में आके फोन रिसीव कर लिया। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त बहुत बिजी हो, ओके? और तुम बहुत खुश भी होगी, ऐसे में तुम अपना दिमाग क्यों खराब करोगी? डोंट माइंड। मैं अपनी शादी के बारे में सोच के काफी सपने देखने चला था, इसलिए मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, सो मैंने फोन उठा लिया। देख लिया ना, जो आया वो भी रॉन्ग कॉल। फिक्र मत करिए, आज के बाद तुम्हें कोई फोन नहीं करेगा। तुम्हारा सपना तो नहीं टूट गया? बेटा, क्या बात है दादी, तुम मेरे पैर छू रही हो? जिसको तू अपने घर की लक्ष्मी बनाना चाहते हो, उसी के साथ तुम्हारा विवाह हो जाए, यही मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन आज अब क्या हो गया दादी? मेरी पोती तुम्हारे माँ बाप की बहू बन के तुम्हारे घर है। शायद ये उसके भाग्य में ही नहीं लिखा है। उसके दूर के एक कजिन से उसके बाप ने रिश्ता पक्का करके बेटा रिया के सारे सपनों को तोड़ दिया है। उसके जाने के बाद हम सब अनाथ हो जाएंगे। उसे वो लंदन चला जाएगा, हमसे दूर हो जाएगी। तुम अगर हमारे घर में दामाद बनकर आते, हमारी जिंदगी में जो बड़े बेटे की कमी थी वो पूरी हो जाती, तो मुझे खुशी होती। इस खुशी को बेकार मत जाने दो। तुम दोनों के प्यार को मैं बिल्कुल गलत नहीं मानती, लेकिन कहने में देर हो गई, इसलिए आज ये भुगतना पड़ रहा है। जिससे तू प्यार करता था वो तेरी खानदान के बहू बनने के लिए आज भी तैयार है बेटा, इसलिए उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बेटा तू ही बचा सकता है। इसलिए दो दिल मिले, ऐसे दो खानदान मिल जाए, यही मैं चाहती हूँ। तू इस बुढ़िया की उम्मीदों को कायम रखना बेटा। अगर तुम दोनों की प्यार की खुशियों का अहम मानते हो तो उसको अपने साथ लेकर यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर चले जाओ। बेटा तुम दोनों अगर मिल जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बस मेरे आखिरी दिन, इसी खुशी में मेरे आखिरी दिन कट जाएंगे बेटा। हेलो, आई एम शिवा। भले तुम्हारी मंगनी प्रिया के साथ हुई है, मगर वो मेरा सपना है। मैं उससे बेहद प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत चाहती है। मैं तुमसे बात करने इसलिए नहीं आया कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूँ। मेरा दिल उसी के लिए धड़कता है। एक सपने में तीन लोग खुश रहे, ये नामुमकिन है, ये संभव नहीं है। प्रिया मुझसे प्यार करके तुमसे शादी करके खुश नहीं रहेगी। शादी के बाद तुम्हें भी सुकून नहीं मिलेगा। जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर उसकी शादी किसी और से हो जाए तो मैं भी खुश नहीं रहूँगा। तुम अगर किसी और से शादी करोगे तो हम तीनों खुश रह सकते हैं। जिस लड़की से हम प्यार करते हैं, हमें शादी भी सिर्फ उसी लड़की से करनी चाहिए। दो प्यार करने वाले जब एक हो जाएं तो उन्हें कितनी खुशी मिलती है। शायद ये बात तो तुम जानते होगे। हमारे प्यार की जीत हुई है, इस बात से भी हमें खुशी होगी और आपको अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से हुआ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्सक्यूज मी। यस सर। आइज दो प्लीज। ये सारी बातें बेवकूफ़ी वाली हैं। ये सब सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि मैं लंदन में रहता हूँ भाई। सुबह एक लड़की, दोपहर को दूसरी और शाम को एक तीसरी लड़की। कपड़ों की तरह हम बदलते हैं। और तुम सपनों की बात कर रहे हो? मेरे दिल में उसके लिए कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो मेरी सगी ही क्यों ना हो और चाहे मेरी बहन हो। शादी में आना भाई, मेरी शादी के तुम चीफ गेस्ट हो, भूल मत जाना प्लीज। ना जाने कितने लोग लड़की से प्यार करके उसे सपना दिखा के उसे छोड़कर चले जाते हैं। सपने को ही जिंदगी मानकर मैंने जिस लड़की से सच्चा प्यार किया, तुम उसी लड़की को मुझसे दूर करना चाहते हो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया भगवान? मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल से चाहा भगवान, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे सपनों को क्यों मिटाना चाहते हो? मैं तुम्हें भगवान कैसे मानूंगा? अब मेरा सर तुम्हारे सामने कैसे झुकेगा? तुमने मुझे दुख क्यों दिया भगवान? जाओ, मैं आज से तुमसे बात नहीं करता। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें अपने पिता पे भरोसा है, तुम्हारे पिता ये करेंगे, तुम्हारे पिता वो करेंगे। तूने मेरी इतनी बेइज्जती की, उसके बावजूद मैंने तुम्हें जान से ज्यादा प्यार किया। तुम्हारे दामन को आज तक मैंने छुआ तक नहीं, उसके बावजूद तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ये क्या कर दिया तुमने मेरे साथ? बोलो प्रिया, आज तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना रही हो, ये क्या किया तुमने मेरे साथ? तुमने मेरा सपना चूर चूर कर दिया। अब तुम मेरा सपना कतई नहीं हो सकती, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें छोड़कर मैं एक पल भी जी नहीं सकती शिवा। जीना होगा मुश्किल, जीना होगा मुश्किल। जीना होगा मुश्किल, जीना होगा मुश्किल। सपना था मेरे टूट गया है, वो बनाया था क्यों रब्बा? सपने तो सबके दिल में, यहाँ पे सपना सबका पूरा तो नहीं होता। अपनापन ये चाहत तूने क्यों डाली इस दुनिया में? ये तो रब की मर्जी है, जाने कब प्यार मिले। कोई कभी तो नहीं, वेद कोई जानता नहीं। दिल दिल टूट गया दिल, अब जीना होगा मुश्किल, जीना होगा खुद प्यार को जगाया, इन सब बातों को तूने क्यों भुलाया? हमें जीवन भी दिया, हमें सपने दिखाए, फिर हमें धोखा क्यों दिया? अब उसके बिना कुछ ना देके जाए तो जाए हम कहाँ? जीवन में खुशियाँ नहीं, अब जीकर क्या अब नजर भी न आए कोई, याद भी न जाए अब। दिल दिल छूट गया दिल, अब जीना होगा मुश्किल, जीना होगा मुश्किल। कुछ तुम तो कहो, मैं क्या कहूं? तेरे बिना इस जहां में एक पल में जीना नहीं चाहूं। कहाँ जा रही हो? मंदिर में? तेरा जीवन साथी कौन है? मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। क्यों मैडम? अरे सुनिए, कल कहीं गई थी क्या किसी के साथ घूमने के लिए, बीच पे? हाँ? रेत अब भी जूती में लगी है। टेंशन हो गया क्या? टेंशन होना ही है। टेंशन तो अब होगा तुम्हें। क्या रे, बिंदास रहो। मैं अब तुझे कैसे समझाऊं यार। मेरी किस्मत ही खराब है दादाजी। अरे ऐसा आखिर क्या हो गया? जो मेरी जिंदगी बन चुकी थी वो लड़की बार बार मेरे सामने आ जाती है दादाजी। वो किसी और की होने जा रही, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तू क्या कर रहा है बेटा? सपने के मायने मैं नहीं जानता था दादाजी। सपना उसी ने दिल में जगाया था और उसी ने सपने को तोड़ दिया। बहुत तकलीफ हो रही है दादाजी, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे दादाजी। तुझे छोड़कर नहीं जाएगी बेटा। नहीं दादाजी, उसने मेरे साथ जो बेवफाई की है, अब मेरे जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई दादाजी। क्या यही सपना था दादा? रो मत बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। सपना दिल में जगने के बाद इंसान उन सपनों का आदी हो जाता है। तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई प्रिया? रुक रुक, ये ले, तेरी दादी का मंगलसूत्र है, एक देवी का मंगलसूत्र है। सुन मेरी बच्ची प्रिया, इस घर में आके जिस तरह हम सब का दिल जीत चुकी है, वही इस घर की बहू बनकर आएगी। हाँ? आएगी रे। हाँ? ये कौन रोकेगा? ये ले माथे से लगा ले माथे से। ये तेरे दादा का सपना है। ये सपना पूरा होगा और जरूर होगा। दादाजी कब तक सोते रहेंगे, उठिए ना दादा। दादाजी, 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 डैडी। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ बेटा? डैडी देखिए ना दादाजी क्या हो गया। पिताजी, पिताजी, डैडी, डैडी, दादाजी, डैडी, डैडी उठिए। क्या हो गया देखिए पिताजी, डैडी, दादाजी कुछ बोल रहे हैं दादाजी। डैडी ये क्या हुआ? डैडी, डैडी, डैडी ये क्या हो गया? दादाजी हमें छोड़कर चले गए, दादाजी हमें छोड़कर चले गए। समझाओ इसको। दादाजी क्यों बोला? मैंने सोचा वो पूरा ना हो, तूने सोचा वो पूरा ना हो, लेकिन इस पुण्य आत्मा का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। मैं जो भी चाहता था उसे कभी भी मेरे डैडी हमेशा मेरे अगेंस्ट रहते थे। आज सबको छोड़ के चले गए। कोई बात नहीं, उनका सपना पूरा होगा। अभी मेरे जीते जी जिस लड़की को अपनी बहू मानते थे वो प्रिया थी। प्रिया की शादी तेरे साथ ही होगी बेटा। हाँ हाँ बेटा। अजी सुनिए, देखिए वर्षा जा रही है। क्यों बेटी, छुट्टियां तो अभी खत्म नहीं हुई, तू जा रही है? ऐसा नहीं है मामा जी, शिवा सिर्फ मेरे दिल में रहता है लेकिन प्रिया अब सबकी दिलों में रहती है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटा। हमेशा जब भी वेकेशन पर तुम यहाँ आती हो तो इस घर में चहल पहल हो जाती है, इसलिए हर साल तुम्हें यहाँ वेकेशन पर आना ही होगा बेटी, और हमेशा खुशियाँ बांटनी होगी। ओके, कोई दुख नहीं, तुम बेटी हो, ठीक है ना? ओके या ऑल द बेस्ट यू। एयरपोर्ट तक छोड़ के आ जाओ। ठीक है, हैप्पी जर्नी। चलती हूँ आंटी, खुश रहो बेटा। चलो, अब इसकी शादी में ही मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। ए छोटे, दूल्हा तैयार होकर घर पर इंतजार कर रहा है। मंदिर में 5 मिनट में आरती का वक्त हो जाएगा, इसलिए गाड़ी दे दो तो मैं जल्दी जाकर आता हूँ। मेरी गाड़ी मांग रहे हो? जी हाँ छोटे। तुम मेरी गाड़ी मांग रहे हो? अरे तेरी गाड़ी मांग रहा हूँ। तूने मेरी गाड़ी मांगी? नहीं दूंगा गाड़ी, नहीं दूंगा, तुझे मैं तोड़ दूंगा, जला दूंगा, लेकिन गाड़ी नहीं दूंगा। अभी रुक जा, अभी रुक जा, अभी जलाता हूँ मैं, मगर तुझे नहीं दूंगा। अरे मत जलाओ, अरे मत जलाओ, कह रहा हूँ भाई, जला दूंगा लेकिन तुझे नहीं। अरे मैंने तुझसे गाड़ी तो मांगी थी, अरे उसे जला क्यों रहा है भाई? अरे उसे जलाओ, क्या कर रहा है? मैंने तुझसे गाड़ी मांगी थी ना, और कुछ तो नहीं मांगा था, उसके लिए तू इसे जला रहा है? अरे तू ऐसा करेगा? मुझे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। तेरा खानदान पूरा स्वर्ग लोग पहुंच गया है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू भी जा मेरे भाई, तू भी चला जा उनके पास। हाँ लेके जा इसे। ठीक है, लेके जा, जा लेके जा तू। ए भाई एक मिनट रुक। ए मैं जल्दी में हूँ, मुझे क्यों रोक रहा है तू? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इस गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तू इस गाड़ी को कहीं भी ले जाएगा और किसी को भी ठोक देगा। पब्लिक तुझे मारेगी या नहीं मारेगी, लेकिन तू एक्सीडेंट में जरूर मर जाएगा। फिर पुलिस आएगी, तुझे ले जाएगी और तेरा पोस्टमार्टम करेगी। उसके बाद मैं आऊँगा, तेरी अर्थी पे फूल माला चढ़ा के तुझे शमशान ले जाऊंगा और जो बचा कुचा भंगार है उसको बेच डालूंगा। फिर उसका जहर खरीद के लाऊंगा और खाऊंगा और तेरे पीछे पीछे मैं भी चलाऊंगा। जेल से फरार पागल, मैंने तुझसे गाड़ी मांगी थी और तूने एक्सीडेंट हो गया। छोटी गाड़ी से, बड़ी गाड़ी से, माल गाड़ी से पोस्टमार्टम भी हो जाएगा। तू यहाँ तक के तूने डेथ सर्टिफिकेट तक की बात तक पहुँचा दिया है तूने मुझको। उसके बाद ये गाड़ी ले जाऊंगा, इतना बेशर्म समझा है या अपने जैसा पागल? ये पकड़ अपनी गाड़ी तू, ये ले। अरे मैं तो ऐसे ही उड़ते चले जाऊंगा। अरे 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 बाप रे, अरे बाप रे, मेरे बाप की अंडी तोड़। अरे चुप, हंसिया की गई तो बच्चे की तरह रोने लगा। अबे तू देख के नहीं चल सकता क्या? तुझे कुछ पता है? सुन, मेरे बाप का बाप कितने साल जीकर मरा था। वो मरने से पहले हम दोनों का हाथ पकड़ के बोले थे, मेरे बच्चों मेरे मरने के बाद मेरी अस्थि को गंगा में बहा देना। अब तूने इन अस्थियों को गिरा दिया है, अब मैं इन्हें कैसे बटोरूं? बता क्या करूंगा? साले, मेरे ससुर की अस्थियों की कलश को तूने 20 सड़क पे तोड़ दिया। मारो इसे, छोड़ इसे। अब बताओ गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? टिकट सबके निकाल लिए गए हैं और रूम भी बुक कर लिए हैं। प्लीज आप सब लोग टाइम पे आ जाना। ओके, हाँ, और सारे कपड़े खरीद लिए हैं, जो खास है वही लेके आना। आई कॉल यू बैक मामा। ओके ओके अंकल, इनविटेशन कार्ड का प्रूफ आ चुका है, चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं। क्या अंकल आप बहुत टेंशन में? क्या हुआ? शादी की टेंशन है? वो बात नहीं है बेटा, अगले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं और शहर में टेररिस्ट मौजूद हैं, ये इन्फॉर्मेशन मिली है। अभी तक किसी को कार्ड भी नहीं बांटे हैं। उसके अलावा शादी की टेंशन अलग। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी अंकल, शादी को लेके आपको इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ अंकल, किस किस को इनविटेशन कार्ड भेजना है मैं भेज दूंगा। शादी के दिन ये दामाद हैं ये इंट्रोड्यूस कराने से बेहतर है मैं खुद जाकर उन्हें सब कुछ बता दूं और कार्ड भी दे दूं। सारी टेंशन अपने आप आपकी खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे, जिस काम से आया था मैं वो भूल गया। अंकल ये लीजिए इन्विटेशन कार्ड प्रूफ के लिए। कार्ड अच्छा है ना अंकल? मुहूर्त के दिन आशीर्वाद देने आ जाना बस। तब तक आप अपने गवर्नमेंट का काम देखना, शादी का काम मैं संभाल लूंगा। क्या यार, ऐसे वक्त भी बार बार फोन बजता रहता है। ऐसे वक्त मैं क्या करूँ क्या नहीं। मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, फोन रखिए प्लीज। आंटी, इन दोनों को पेट भर के खाना खिलाओ, उसके बाद इन दोनों को ऊपर बेडरूम में भेज के कंबल ओढ़ के सो जाने के लिए बोलो, तभी इनका दिमाग सही होगा। ये दोनों मेरी बहन की दूसरी जगह शादी होने वाली ना, इसके टेंशन में है। इससे कुछ नहीं होगा, इन्हें खाना दे दो आंटी। मेरी दीदी को मैंने हमेशा हंसते हुए देखा है, उसे रुलाना मत। मेरी दीदी की अगर किसी से शादी होगी तो वो मेरा जीजा बनेगा, लेकिन मेरा जीजा सिर्फ आपका बेटा ही होना चाहिए शिवा, बस। प्रिया, प्रिया। मैं हूँ मैं। क्या बात है अंकल, आप इस वक्त यहाँ पर? थोड़ा सांस लेने दे, भारी बदन है, सीढ़ी चढ़ के आया हूँ। थोड़ा आराम से बताता हूँ। और कुछ नहीं है बेटा, तू शादी करके हमारे घर आया और मैं तेरा ससुर बनूँ यही उम्मीद लगाए बैठा था। वो क्या है कि बीच में थोड़ी टेंशन आ गई थी। हिम्मत हारने वाली बात नहीं है बेटी, उसी मुहूर्त में तेरी शादी जरूर होगी। जिसके साथ तेरी मंगनी हुई है उसके साथ नहीं, तूने जिससे प्यार किया है उसी के साथ, ठीक है ना? पूरे गांव में मैं घूम घूम के सबको इनविटेशन दे चुका हूँ। मेरे घर आने वाली महालक्ष्मी को उसके घर आके अगर मैंने इनविटेशन नहीं दिया तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ होगी, इसलिए चोरों की तरह आ गया मैं यहाँ। ये ले, मेरे बेटे की शादी का कार्ड है और तुझे आना होगा। अब तू रोना नहीं, तुझे मेरे घर की महालक्ष्मी बनना है, ओके? अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। आई विल टेक केयर ऑल द थिंग्स। गॉड ब्लेस यू। ये क्या अंकल, उसी तारीख में उसी दिन उसी मंडप में आपने शादी फिक्स कर दी, ऐसा क्यों किया? जी हाँ, उसी मंडप में आए हुए उन तमाम बारातियों के सामने ये शादी जरूर होके रहेगी, लेकिन वो दूल्हा विक्रम नहीं, हमारा शिवा होगा। इस शादी में हमें खर्चे की कोई परवाह नहीं है, जो भी होगा जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे, क्योंकि हमारे बेटी की खुशी ही हमारे लिए सब कुछ है। वो क्या है अंकल, मुहूर्त की तारीख बहुत करीब है। इस बीच प्रिया से शिवा मिल नहीं पाया बेशक, लेकिन उसको वहाँ से उठाने के बाद प्रिया और शिवा कौन से होटल में है पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ होटल ही नहीं, किसी भी दोस्त को या उसके घर वालों को भी इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रिया के पिताजी इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं। सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, उनकी अच्छी पहचान है, वो लोग बहुत आसानी से उसे ढूंढ सकते हैं। सो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 2 कार रहेंगी शिवा और प्रिया के लिए। मुहूर्त के दिन ही पूरे शहर में उन्हें गाड़ी में घुमाना होगा तुम्हें। अब तुम लोग अपने घर जाओ, लेकिन एक शर्त है, कोई भी सिचुएशन में किसी भी सूरत में ये प्लान किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ओके? ओके अंकल। वैसे अंकल, प्रिया को कहाँ भेजेंगे? आप लोग प्रिया दीदी को कहाँ भेजोगे? अंकल, ये तो सिंपल मैटर है, मेरे जीजू को कोई पहचान नहीं सकता, लेकिन दीदी को सारा शहर जानता है। अगर मेरी दीदी घर से बाहर निकलती है तो होने वाले जीजू के गार्ड उसके पीछे जाते हैं और वो भी साथ रहते हैं। वो जहाँ भी जाती है वो उसे फॉलो करते हैं, इसलिए दीदी के साथ मेरा होना बहुत जरूरी है। वेट एंड सी। क्या अंकल, तुम मंदिर में नहीं आओगे? जिस वक्त तेरी दीदी से मेरी शादी हो जाएगी उसी समय इस मंदिर में पैर रखूंगा मैं। चल जा, जा जा। दीदी, शादी से पहले तुम भगवान के दर्शन करने जा रही हो, ये बहुत अच्छी बात है, हमारे रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। ये क्या दामाद जी, तुम्हारे ऊपर विश्वास करके मैंने भेजा था, तुम वहाँ क्यों रुके? तुम उनके साथ अंदर क्यों नहीं गए? तुम्हारे होते हुए टेंशन तो क्या फायदा। वो गाड़ी के पास खड़ा ही रह गया, समझ ही में नहीं आया उसका। क्या बात है? क्या बात है? यार क्या तुम लोगों ने उसको उल्लू बनाया, साला कसम से वो गाड़ी के पास खड़ा ही रह गया, समझ ही में नहीं आया। क्या है छोटे, तूने अच्छा प्लान बनाया है। क्यों जीजा जी, अब तो खुश हो ना? पीड़ू, हम क्या पूरा शहर घूमने निकले क्या? यहाँ हाथ बांध के जीप में बैठा दिया गया है, वो कहाँ हमें कुछ पता नहीं है। भाई तुम्हें यकीन नहीं है तो मार दो या तो छोड़ दो। भाई हम सच कह रहे हैं, गाड़ी साइड में लगाओ, माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ। भैया हम यहाँ से सीधे घर चले जाएंगे, हमको उतार दो, ऑटो में बैठ के घर चले जाएंगे, हम कसम खाते हैं सच भाई। अरे भाई आप कितने अच्छे हैं, आपने गाड़ी रोक दी, हम घर चले जाएंगे भाई। ऑटो ऑटो भाई, ऑटो वालों ने रोक दिया। क्या बात है, क्या कहा? दो ही जन हाथ लगे हैं और बाकी के 3 जन। सुनो गोपाल, तुम्हें उन्हें तुरंत ही ढूंढना होगा। 1 घंटे के अंदर उन्हें ढूंढ निकालो, सारे चेक पोस्ट पर इन्फॉर्म कर दो। कोई भी गाड़ी हो किसी का भी नाम ले, पूरी तरह से चेक किए बगैर किसी भी गाड़ी को जाने मत देना, समझ गए ना? सारी गाड़ियों को चेक करना। मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। ओके ओवर। ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों भाई बहन को किस गाड़ी से भेजा है ये आधे घंटे में अगर नहीं बताया तो समझ जाओगे कि तुम लोगों के साथ क्या सलूक होने वाला है। इंक्वायरी रूम में तुम सबको ले जाकर दीपावली के सारे पटाखे तुम्हारे बदन में बांध के मैं आग लगाऊंगा। सचमुच में हम लोग नहीं जानते, तुम कुछ भी कर लो। मुँह खुलवाने की तरकीब मुझे मालूम है। ये गाड़ी का नंबर देख, ऐसा लगता है कहीं देखी है। भैया राइट में काट के सीधा चलोगे तो मैं सब कुछ बता दूंगा, तुम कहीं भी कुछ भी चेक कर लो। शिवा कहाँ है कुछ भी नहीं जानते हम लोग। ये सब गाड़ियाँ चेक कर ली। अरे भाई बेचारी। ड्राइवर सर, ये गाड़ी की डिक्की खोलो। ओके सर। दीदी इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुम अपने होने वाले दूल्हे के साथ ही तो भाग रही हो ना, और डैडी कब तक तुम्हारी रखवाली करते रहेंगे? डैडी डैडी। बोलो बेटा। डैडी दीदी मिल गई है, शादी के मंडप में आ जाइए, आपका इंतजार हो रहा है वहाँ पर। ऐसा क्या? जल्दी आइए ना डैडी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। ओके ओके डैडी। सुनो गोपाल, आज मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त है, मुझे लेट हो रहा है, मैं तुरंत जाकर आशीर्वाद देकर तुरंत आता हूँ। और तुम लोग केयरफुल होके सारी गाड़ियों की अच्छी से तलाशी लेना। ओके। सर 1 मिनट सर। क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं है सर, दामाद जी ने खुद आके इनविटेशन देके हमें भी बुलाया था। आज इस सिचुएशन में हम शादी अटेंड नहीं कर सकते सर, दामाद जी से आप ही कह दीजिएगा सर। मैं उनके घर पे आकर पर्सनली बधाई दूंगा और उनसे बोल दीजिएगा हमें भूले ना सर। ठीक है मैं कह दूंगा। क्या है तुम लोग ऐसे मुँह क्यों देख रहे हो? हाँ जाओ जाके अपना काम करो, जाओ जाके सारी गाड़ियों की तलाशी करना। जाओ। क्यों बेटा डर गई क्या? मैंने भी प्यार करके शादी की थी बेटा, आप लोग तो इतनी बड़ी गाड़ी से जा रहे हैं, मैं तो उसको साइकिल में ही बैठाल कर मंदिर में ले जाकर उससे शादी की थी बेटा, तब से मेरा जीवन खुशहाल है। एनीवे विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। दीदी देखा ना तुम्हारा भाई कितना स्मार्ट है। हटाओ यार हटाओ। ए, तुम पीछे लो। प्लीज गो बैक। नमस्ते सर। जब भी कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो ड्राइव करते समय अचानक गाड़ी पीछे लेना नामुमकिन है। हम दोनों के साथ इस वक्त वही सिचुएशन है। सर आप ही बताइए, इस उम्र में अगर हमें इतना गुस्सा है तो जवानी में कितना गुस्सा होगा, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। क्योंकि बिना प्यार के नहीं बुलाएंगे तो कौवा भी नहीं आएगा अपने छत पे। और प्यार के सागर के आगे उनके सपनों को नहीं समझने वाला शायद इस दुनिया में कोई इंसान होगा। मेरी नज़र में वो इंसान नहीं है। इंसान के हजारों सपने होते हैं, मान लो उसमें कितने पूरे भी नहीं होते। इससे नाराज होके सपना देखना ही नहीं चाहिए। एक कहने वाले हम कौन होते हैं सर? एक मुस्लिम एक हिंदू आपस में शादी करना बुरा मानते हैं सर। एक क्रिश्चियन एक हिंदू के साथ शादी करे हम ये भी गलत समझते हैं। क्यों? धर्म के नाम पे जहर घोलने वाले हमारे इस देश में सपनों को धर्म के तराजू में तौल के उनकी जिंदगी को बर्बाद करने से अच्छा है धर्म और नफरत के भेदभाव को छोड़कर खुशी से अपना जीवन जिए। साहब, हम दोनों के बच्चे एक दूसरे के लिए एक सपना देखा, उन दोनों की खुशियाँ हमारे आंगन में जगमगाए। यही सपना मैंने भी देखा था, इसलिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर मैं खुद आपके घर आने वाला था साहब। तब मेरे बेटे ने क्या कहा जानते हैं आप साहब? जैसे आप मेरे पिता हो उसी तरह उस लड़की का भी एक पिता है। जब लड़की उनसे बात कर लेगी और उनके पिता इजाजत दे देंगे तभी मेरा रिश्ता आप उनके घर ले जाना। बड़ी इज्जत से मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे यही कहा। इसी दरमियान शायद तुम्हें सपनों में यकीन नहीं था, उसने बताया नहीं होगा। आपने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और कर दिया। ऐसी सूरत में आपकी बेटी को भागने का आइडिया देने वाला वो मैं ही हूँ, और दोनों को मिलाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज उन दोनों को माफ कर दीजिए। शायद आपने अपनी बेटी की शादी का किसी से वादा किया होगा, या अनजाने में ये रिश्ता जोड़ के दो दिल तोड़ने जा रहे थे सर। ऐसा मत कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? दो प्यार करने वालों का रिश्ता तोड़ने वाले आप कौन और मैं कौन? इसलिए हमारे घरों में किसी को सपना देखना ही नहीं चाहिए। हम दोनों ये फैसला करने वाले कौन होते हैं? आप जरा शांति से इस बात पे गौर करके देखिए, हल निकल आएगा। आखिरकार हम दोनों एक साधारण मनुष्य हैं सर, इसलिए हमारे बच्चों की खुशी के लिए उनकी ज़िंदगी आबाद रहे, खुशहाल रहे, वो हमेशा खुश रहे सर। मैं चाहूँ तो बड़े से बड़े घर की लड़की से अपने बेटे की शादी कर सकता हूँ, लेकिन उसके दिल में जो बसी है आपकी बेटी प्रिया, जिसे मैं भी बहू बनाना चाहता हूँ, उसके साथ साथ फेरे लेने के लिए आपकी इजाज़त चाहिए। उसके बगैर ये नहीं होगा सर। आशीर्वाद देने के लिए आप मेरे साथ चलिए सर, प्लीज़। आना है या नहीं आपकी मर्जी। समधी जी, गाड़ी निकालो समधी जी। कौन है बे? अबे कौन है बे? ऑटो वाला समझ के सर चढ़ रहा है क्या? तेरी वाह राजा वाह वाह, तेरी गाड़ी का ड्राइवर है। शिवा! अरे बाप रे, कौन है रे? सर सर सर, 5 मिनट में हमारी शादी होने वाली है, हमें मंडप में पहुंचना है। मेहरबानी करके हमें जाने दीजिए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, जाने दीजिए। अच्छा? शिवा नहीं। अरे पापी, तू मेरी बहन को भगा के ले जा रहा है सर, प्लीज। अरे मेरे भाई, एक दिन लड़कियों को छेड़ते हुए तूने पुलिस बुला के हमें अंदर करवाया था ना, लेकिन इस वक्त मेरी बहन की इज्जत का सवाल है। मैं क्या करूँ मेरी बहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। शिवा मत मारो। शिवा चलो, चल दीदी। शिवा चल जल्दी। चलो प्रिया चल। शिवा शिवा। अरे शिवा, अरे साथ में कौन है? साथ में लड़का भी आया। आइए सर, आइए। तुम लोग जहां पर भी कहीं जाओगे, लौट कर तुम लोग यहीं आओगे, इसीलिए मैं यहां खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया। सुपर, जो दुल्हन को अपने हाथों से संभाल कर यहाँ तक लाए। अरे दुल्हन तो तुम ही हो, जाओ जल्दी अंदर जाकर तैयार हो, मुहूर्त बीता जा रहा है। ए, आंधड़ा, टेंशन में है क्या? शादी हो रही है इधर, शादी मेरे अंकल की बेटी की शादी हो रही है, समझ गया ना तू? अरे यार समझा नहीं तू। अरे मैं भी तुम्हारी तरह आम आदमी हूँ यार, और तुम्हारी तरह से मेरा दिल दिमाग भी काम करता है यार। जानते हो दीदी ने जब जीजा जी से प्यार करके शादी किया तो उस समय गलत समझा जा रहा था, उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया। उस टाइम में प्यार क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अभी प्यार क्या होता है ये मुझे मालूम है, और इसकी भावनाएं क्या होती हैं वो भी अच्छी तरह से मालूम है। अच्छे समय पर मेरे दोस्त ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। ए, तेरे अंकल की बेटी एक रईस लड़के के साथ रोज गाड़ी बदल बदल कर घूम रही है। ये सब सुनकर मैं सोच रहा था, तभी अंकल ने फोन करके मुझे बुला लिया। मैं यहाँ पहुँचा, आते ही मेरी एंगेजमेंट हो गई और शादी का मुहूर्त भी निकाल दिया गया। सो सॉरी, तुमसे मिलने का मुझे मौका नहीं मिला, मेरे अंकल की वजह से। मुंबई में सुबह प्यार शुरू होता है और रात के अंधेरे में जाकर ये प्यार खत्म हो जाता है। मैंने सुना है वैसे भी अमीरजादों का प्यार कार से ही शुरू होता है और कार में ही जाकर खत्म हो जाता है। इसीलिए मेरे अंकल की बेटी का प्यार कहीं गाड़ी में शुरू होकर कहीं गाड़ी में खत्म ना हो जाए, इसीलिए मैं मुंबई आया। यहाँ आने के बाद मुझे तुम दोनों का प्यार देखकर पता चला प्यार कैसा होता है और प्यार किसे कहते हैं। जिस लड़की से तूने प्यार किया, उस लड़की की एंगेजमेंट होने के बावजूद भी मैं कौन हूँ ये जाने बगैर भी तुम मेरे पास आकर ये बोलते हो कि उस लड़की को छोड़ दूँ। तूने जो बोला मेरे प्यार के लिए इस लड़की को छोड़ दो, यही बात तुम्हारी मुझे पसंद आ गई। अगर प्यार करने का तो दिल से प्यार करने का, दिल के साथ साथ अपनी जान भी उसके नाम कर देते हैं। सच्चे प्रेमी वही होते हैं जो आंख बंद कर एक दूसरे को देख लेते हैं, उसके बाद भी अगर एक दिन भी तुम उससे मिलने ना जाओ तो वो तुम पर हाथ भी उठा देता है। उसी वक्त मुझे पता चला कि इसके प्यार में कितनी ताकत है। अरे ये तो बहुत अच्छा आदमी है। क्या हुआ बेटा, चोट लगी है? कुछ नहीं डैड, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। वो बेटा अंकल आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ पहले से ही जानता था अंकल। वो जो मैंने इनविटेशन कार्ड आपको दिखाया था वो सिर्फ सैंपल था अंकल, और एक ही था। और पूरे गांव या शहर में जो मैंने कार्ड बांटे उनमें इन दोनों के ही फोटो छपे हैं। आप खुश हैं अंकल? उम्र होने के बावजूद भी मैं इन बच्चों को नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दो। मेरी बहन ने जब प्यार किया था उसकी वजह से हमारी फैमिली बिखर गई थी। आज आपकी बेटी के प्यार ने बिखरे हुए परिवार को मिला दिया, इस वजह से आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेटा तुमने जो किया अच्छा किया, प्यार करने वालों को मिला। हाँ सर। जाने कोई जरूरत नहीं, इसे तुम अपनी बहन समझ के शादी कराओ और इन दोनों को खुशी खुशी आशीर्वाद दो। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो तो मेरे गाल पे तुम थप्पड़ मार दो। ए, आओ चलो। ए, चल कुछ खाते हैं।